ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्विहितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या वीनापराध लक्ष्य कीप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्द जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसारी करी चरण बंदन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन्म प्रवजन्त मनुपीतम अपीतगृतं द्वैपायन विरह कातर आर्यभावं पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेभुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिवानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ लगे बोले बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी पिता माताएं भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु आविर्भाव हुए। प्रश्न है भगवान जगत में क्यों आते हैं? हमारे टीकाकारों ने इसके पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए, करीब करीब 10-15 रहस्य उसमें बताए भगवान आए क्यों। कृष्ण गीता में एक श्लोक कहते हैं बोले हे अर्जुन अजो अपि सन्न अभय आत्मा भूताना अपि ईश्वर अपि सन्न प्रकृति समधिष्ठाय संभवा आत्माया। इसका मतलब है कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं,
इसलिए मेरा जो जन्म है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जो जन्म और जो कर्म ये अवलौकिक ये अपराकृत है, लेकिन मैं अजय होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूं। बोले क्यों लेते हैं? आज मैं आपको 10 कारण बताऊंगा, लेकिन कल आपसे मैं सुनूंगा, देखूंगा कौन मेरे को बता पाता है, ठीक है ना? और मन लगा कर सुनेंगे। इसका एक साधारण कारण है जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। बोले हे अर्जुन, जब जब इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी स्त्रियों के ऊपर में अत्याचार होने लग जाए, मैं उसी समय अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ, धर्म को स्थापन करता हूँ जगत में आकर के। कभी ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्ता नाम करोमि विविधता। तात्पर्य है मैं भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए आता हूँ। जैसे कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अगर भगवान जन्म नहीं होते फिर क्या हम बैठ के कथा सुनते हैं? फिर कल क्या जन्मोत्सव मनाते? आज राधा रानी की जन्मोत्सव मनाएंगे, कल गिरिराज पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाएंगे। अगर भगवान जन्म नहीं होते हम तो घर में बैठ करके दुनियादारी के उल्टा उल्टा बात करते रहते। इसलिए भगवान कहते धीरे 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 मैं ये जीवों को अपना कथा में, अपना भक्ति में, अपना लीला में उनको डुबो करके अपना धाम में ले जाना चाहता हूँ, इनको पर मैं कृपा करने के लिए लीला करता हूँ, ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है? कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए, देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो मैंने अपना संतान रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के जैसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आए। बोले देवकी वसुदेव तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा थे, राजा रानी, तुम लोगों ने संसार का कोई विषय भोग नहीं, सारे विषय को छोड़ करके कठोर तपस्या मेरी की। कैसे? बोले पेड़ से जो पत्ते गिर जाते थे उसको खा खा करके। बोले कितने दिन? बोले 10,000 साल। इतने साल तुमने तपस्या की, जब भगवान नारायण दर्शन दिए बोले बताओ क्या चाहिए? बोले आप जैसे हमें एक लाला चाहिए। बोले भैया मेरे को वेद में कहते हैं वो असमर्थ तत्व, असमर्थ मतलब है जिनकी ऊपर की बात छोड़ दो, जिनकी बराबर भी जगत में कोई नहीं हो सकता। ठीक है मैं तुम्हारी भजन में संतुष्ट हूँ, अगले जीवन में तुम्हारा लाला बन गया, इसलिए मैंने तुमको ये चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है, इसको विश्वास दिलाने के लिए। ये भी एक कारण है। फिर चौथा कारण है, बोले एक द्रोण और धरा, ये भी दोनों राजा और रानी थे, इन लोगों ने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जब संतुष्ट हुए बोले बताओ क्या चाहिए? एक ने तो चाह आप मेरे बेटे बन करके आओ, लेकिन इन्हीं दोनों ने चाहा जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा मैया के पेट से जन्म लेता है और मैया उनको झूला में झुलाती है, उनको दूध पिलाती है, उनको अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है, कहते मैं चाहता हूँ आप मेरे ऐसे लाला बन करके आओ, हम हमको प्यार करें। हाँ देखो, इसलिए कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने कहाँ पर, उन्होंने मिला कहाँ पर की, उनको दूध किसने पिलाया, उनको पल्ले में झुलाया किसने, किसने? नंद और जसोदा ने। इसलिए बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इसलिए कृष्ण, इसलिए गोकुल में कृष्ण ये लीला की। तत ये भी एक कारण है। कहते सुबह पंचमा कारण, बोले जिस समय प्रभु राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए, इतने में सुपन खा प्रभु राम को देख करके एकदम बाबरी बन गई। बोले क्या सुंदर है! इतने में सुपन खा ने बड़ी सुंदर सज धज करके बोले मेरे से ब्याह कर ले। बोले मेरे तो एक पत्नी सीता है, मैं दूसरे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहते एक ही शादी में कर सकता हूँ,
लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए। लक्ष्मण जब वापस आया बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया। बोले भैया ये भी तो कम सुंदर नहीं, तो बड़े सुंदर है, बड़े सुरीला है। बोले इसको मैं शादी कर सकती हूँ? बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकते हैं, पूछ करके देख लो। जब लक्ष्मण किसी को पूछे बोले ये बताओ तू दासी बनना चाहते ना रानी? बोले रानी? बोले तो मैं प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना? सेवा करते करते थक जाओगे, कहा रानी बनने की स्वप्न देख रहे, जा प्रभु के पास में जा। फिर राम के पास में आती हूँ, फिर प्रभु इनकार कर देते हैं। बोले ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है इसलिए इसको ही खा जाते हैं। इतने में सीता को उन्होंने अपना रूप में आ गई सुपन का, पहले तो बड़ी सुंदर सज करके थी, अपना रूप में आकर के जब खाने के लिए गई प्रभु राम लक्ष्मण को इशारा किया तो उन्होंने उसकी नाक कान काट दी है। जो नाक कान काट दिए, अभी प्रश्न है भैया शादी करना तो मत करो, एक स्त्री का नाक कान क्यों कटवा दिया? हाँ, इसमें एक रहस्य है। कहती जो लक्ष्मण है ये गुरु है, और गुरु का काम होता है शिष्य को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगा, ये गुरु का काम है। इसलिए लक्ष्मण समझ गए इसने प्रभु का हृदय में बैठा दिया, और भगवान भाव को ग्रहण करने वाले भगवान भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी अवतार में ग्रहण नहीं कर सकते, जब ये कृष्ण बन करेंगे आएंगे तब उनको स्वीकार करेंगे। इसलिए लक्ष्मण गुरु है, एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो उसको ना कान काट दो, उसको जगत में कोई पूछेगा? फिर कोई पूछेगा उसको? कोई भी जगत में नहीं पूछेगा। बोले और तू किसकी बन करके मत रहो, रह तो प्रभु राम की बन करके रहो। वही फिर आती है कृष्ण लीला में कुबजा बन करके, उसी समय में कुबड़ी बन करके आती है, लेकिन प्रभु मथुरा में जाकर के उसको सही करके शादी करते हैं। इसलिए ये एक कारण है भगवान क्यों कृष्ण अवतार में आए। कितना कारण हो गया? हम लोग भी घिर नहीं रहे। हाँ, पंचमा कारण है क्या? बोले छठवा कारण क्या है? बोले भगवान राम जब अयोध्या में थे 11,000 साल तक प्रभु राजत्व की, हर साल में एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने का एक नियम है, वशिष्ठ जी ने कहा राम तो पत्नी के बगैर तुम ये यज्ञ नहीं कर सकते हो। लेकिन भगवान राम तो सीता को वन में भेजती, बोले क्यों भेज दिए? अब जब जानते हो भगवान ये चीज को सिखा देना चाह रहे थे। बोले कौन सा चीज? कैसे स्त्रियों को सती रहनी चाहिए। इसलिए आपको पता है कि धोबिनी गई थी अपना पीहर में, आते समय एक नदी पार करना पड़ता था, लेकिन वो केवल रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, संध्या हो गई, उसने बोले मैं पार नहीं करा सकता। उसको एक रात मजबूरी में उसको घर में रहना पड़ा। जब दूसरे दिन आती है वो केवट कहता है दूसरे रात में तुम कहाँ पर बिताए? बोले ऐसे ऐसे। बोले जहाँ बिताए वहीं पर जाकर बिता, मैं राम नहीं हूँ। कहाँ सीता? एक साल तक लंका में रही और आई तो प्रभु बराबर आसन दे दिए, लेकिन रावण ने सीता को चोरी नहीं की थी। अब रामायण देखने लगे वो नकली सीता थी, इसलिए रावण आने से पहले प्रभु को पता था। इसलिए उन्होंने अग्नि को पास में, सीता जी को बोले तुम अग्नि को पास में रहो जब तक मैं रावण को वध नहीं कर देता। वो छाया नकली सीता थी, क्योंकि जो सीता ये महालक्ष्मी है तो लक्ष्मी को रावण कैसे स्पर्श करेगा, वो देख भी नहीं सकता है। इसलिए प्रभु राम ने सीता को उन्हें त्याग दिया सीता को। इतने में वशिष्ठ जी ने कहा देख तुम्हारे पिता को भाई तो 3 रानियां थी ना, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, तो और इनकी शादी कर ली। बोले राम इस जीवन में सीता के सिवाय और किसको ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान राम जो लीला है ये मर्यादा पुरुषोत्तम लीला है। प्रभु शिक्षा देते हैं जब तक कोई राम लीला को अपना जीवन में नहीं अपनाएगा ना तब तक ये कृष्ण लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। पहले उसको राम लीला का आदर्श उसको ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु राम शिक्षा देते पुरुष लोगों को भी एक पत्नी व्रता होनी चाहिए हैं, और स्त्रियों के लिए भी जैसे उन्होंने सीता जो त्याग दिया, सीता और भी तो शादी कर सकती थी, नहीं एक राम का सिवाय उसने भी और किसी को उन्होंने ग्रहण उन्होंने नहीं किया है। इसलिए दोनों दोनों के लिए उन्होंने शिक्षा प्रदान करते हैं, दोनों दोनों को शिक्षा प्रदान करते हैं।
इसलिए बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए दोनों जगत को ये शिक्षा देकर गए। इसलिए भगवान राम बोले और कोई उपाय सोचो, बोले सोने के सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके आप यज्ञ कर सकते हो, बना कर सकते हो। हर साल एक एक यज्ञ किए और एक एक सोने की सीता को उन्होंने बनाए। अभी प्रश्न है फिर इतने सीता सबके सब कहाँ चली गई सारी सीता? कहते इतने सीता कहाँ चली गई? कहते जितने सारे सीता है ना, जब कृष्णा द्वापर युग में आए ये सब के सब गोपी बन करके आए और भगवान ने इनके सारी इच्छाओं को, ठाकुर जी ने सारी इच्छाओं को उन्होंने पूरी की। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री श्री राम। इसलिए ये एक कारण है भगवान जगत में, इसलिए ठाकुर जी भगवान जगत में आए। कहते ये एक भी कारण है। कितना हो गया? कितना कारण हुआ? छह कारण हुआ। इसलिए सप्तम कारण बताते हैं। जिस समय भगवान राम गए जनकपुरी में, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी से आदेश मांगी, बोले थोड़ी सी आदेश दो, हम दोनों थोड़ा ये जनकपुरी को दर्शन करके आए। बोले दर्शन करने नहीं, दर्शन दे करके आए। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किए, जो एक बार प्रभु राम को दर्शन कर लिया, पूरा जनकपुरी में हल्ला मचा दिया, क्या दो सुंदर बालक आए, माने एक साथ में चंद्र और सूर्य एक साथ में प्रकट हो गए, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर और नीलांबर दोनों धनुष जैसे, दो मतवाल हाथी के जैसे, बड़े सुंदर प्रभु का रूप है। इसलिए जो दर्शन करता है बोले श्री सियावर रामचंद्र की। अभी जितने जनकपुरी के कुंवारी आते ना, सीता की सहेलियां, वो सब के सब झरक से और छत के ऊपर से सब दर्शन कर लेते। अब प्रभु राम का एक स्वभाव था, वो कभी भी सर उठा कर कभी स्त्रियों को कभी उन्होंने दर्शन नहीं किया, कभी उन्होंने देखा नहीं। रामचंद्र तो सर नीचा करके चल रहे थे, लेकिन इतने में जो छत में जितनी किशोरियां थी ना, वो प्रभु का दर्शन करना चाह रहे थे। प्रभु रूप बड़े सुंदर है, इतने में दर्शन करे कैसे, उनका सर नीचे करके जा रहे थे। इतने में उन लोगों तरह खासे करे, मतलब थोड़ी सी प्रभु ऊपर देखे और प्रभु को थोड़ा दर्शन हो जाए। इतने में लक्ष्मण कौन है? बोले गुरु है। बोले गुरु का काम किया? बोले जीव को भगवान के साथ में मिलाना, ये गुरु का काम है। इतने में लक्ष्मण बोले प्रभु जी थोड़ी सी ऊपर देखोगे? बोले लक्ष्मण खबरदार, ये जनकपुरी की राजा, ये मायापुरी है, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सीधा सर नीचे करके जा। लेकिन वो बार बार घास रही थी। बोले प्रभु एक बार दर्शन करना, एक बार दर्शन करा। इतने में प्रभु जब एक बार ऊपर देखे, जब एक बार प्रभु की रूप का दर्शन की, वो किशोरिया सबके सब वहीं बेहोश हो गई। जब इनकी होश आई ना, सब राम के पीछे पड़ गए, बोले हमें शादी करो। बोले देखा लक्ष्मण, तेरे पहले बता रहा था, हाँ सर नीचे करके चलो, देखा पीछे पड़ गए। बोले नहीं देखो कि रामा ने केवल एक सीता को मैं स्वीकार कर सकता, और किसी को नहीं, तुम सबके सब कृष्ण अवतार हो। देखो हमारे जो कृष्ण है ना, वो ऐसे एक देवता है, वो किसी को छोड़े नहीं। कुबड़ी आए, राक्षसी आए, मतलब कोई भी आए ना हमको पास में, कोई भी आए, ठाकुर किसी को छोड़े नहीं, ठाकुर जी सबके सब स्वीकार कर लिया। इसलिए यहाँ से क्या देते हैं, अगर भक्ति करना ना, कन्हैया को भक्ति करो, तुम किस रूप में भी नहीं आ जाओ, ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, कभी तुम्हें ठाकुर छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखो अभी हम जा करके मथुरा में सुनेंगे, जब कृष्ण मथुरा में गए, इतने में कुब्जा ने थोड़ी सी प्रभु को श्रृंगार कर दिया, बोले हम मेरे और सखा थोड़ा श्रृंगार कर दो। जब श्रृंगार कर दिया ना, कृष्ण ने सखा ने कहा कन्या तेरे को तो लेना आता, देना तो आता ही नहीं। बोले क्यों? बोले देख तीन जगह से कैसे टेढ़ी है। बोले बेबी मैं भी तो टेढ़ा हूँ, ये भी टेढ़ी, जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले प्रभु जी थोड़ी सी सीधा कर दो ना। इतने में प्रभु ने एक पैर में एक प्यार धरे, कमर में एक हाथ धरे और थोड़ी में एक हाथ रख करके
एक झटका मारे सीधा सट्टा बना दी, बड़ी सुंदरी बन गई। इतने सुंदरी उसने बन गई जैसे विश्व सुंदरी है, प्रभु अपना रूप को देख करके अपने आप को संभाल नहीं सकी। इतने में कृष्ण का दुपट्टा पकड़ ली, इतने में कृष्ण कहते करके शर्म नहीं आती, या दाऊ जी जेठ खड़े हुए और तू कपड़ पकड़ कर खींच रहे हो, ऐसे नहीं जब मैं वापस आऊंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, ये इसका सेवा थी रोज जा करके कंस को श्रृंगार करने रोज। लेकिन कंस को तो श्रृंगार करती थी लेकिन वो कुबड़ी की कुबड़ी रही, वो सीधा नहीं हो पाई। लेकिन कृष्ण को एक दिन उन्होंने श्रृंगार कर दी तो कृष्ण ने क्या किया, केवल एक बार उनको कृष्ण का सखा घुस जा गया, भगवान उसको एकदम सीधा बना दिए, विश्व सुंदरी उनको बना दी। यह सिखा देते हैं अगर भगवान के लिए थोड़ी सी करो ना। द्रौपदी ने क्या की बताओ, भगवान के अंगुलू कट गया, थोड़ी सी बैंडेज कर दी, इतना तो की थी। लेकिन ठाकुर जी भरी सभा में उसको वस्त्र प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के लिए अगर थोड़ी सी करो ना, कभी आप सोच भी नहीं सकते वो क्या कर सकते। लेकिन ये दुनिया के लिए देखो, हम दुनिया का सबको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, पत्नी बच्चे पिता माता भाई। अभी किसी को पूछो दुनिया में किसी को खुश कर पाए हम तक, आप लोग बताओ जगत में किसी को सेवा करते करते कोई तुम्हारे पर खुश हुए हैं? बल्कि उनकी सेवा भी करो और उनको गाली भी सुनते रहो, उनको गाली सुनते रहो, थोड़ी सी अगर थोड़ी इधर उधर होगी चुप, वो देखेंगे नहीं जिंदगी भर तुम हमारे लिए क्या करो, नहीं देखेंगे बोले तुम मेरे लिए क्या किए हो, झट जाता। लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं करना तो किसके लिए करो, ठाकुर जी के लिए करनी चाहिए। सुदामा दो मुठी चिड़वा दिया ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य ठाकुर उसको प्रदान करते हैं। इसलिए बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये एक कारण है, ये सब के सब गोपी बन कर गया, कितना कारण हो गया, इतना हमने कथा सुनाई साथ ही कारण, कितना कारण हो गया, सात ना आठ हो गया, सात हो गया। कहते ये एक कारण है, कहते और एक कारण बताते हैं। कि जिस समय कल आप लोगों ने देखा पामन भगवान आए थे बलि महाराज के घर में, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नवाला। भगवान स्वयं बावन बन कर कहे ठाकुर जी बड़े सुंदर थे, माताओं का एक स्वभाव है अगर किसी सुंदर किसी बच्चे को देखे ना उनको इच्छा करते हैं उसको गोद में लेकर प्यार करें। अब भगवान स्वयं बावन बन करके आए, अभी इनकी बेटी रत्नवाला इनकी रूप देख करके इतने मुग्ध हो गई, बोले अगर ये मेरा बेटा बन करके आता ना दिन भर इसको मैं लाड लगा, इसको मैं प्यार करती। भगवान बोले कोई बात नहीं मैं बेटा बनकर आ जाऊंगा। लेकिन जब भगवान एक पग में पूरा भूर भुव सोम महजन तप सत्यलोक नाप लिया, दूसरे पग में नीचे तक, अभी तीसरे चरण रखने के लिए कोई स्थान नहीं, बोले बलि बड़ा डी घाक रहा था, इतने तेरे को दूंगा कहीं तेरे को झोली पसारने का जरूरत नहीं, बताओ सारा दुनिया मैंने दो पग में मांग लिया तीसरे पग कहाँ रखा। बोले गरुड़ इनको नाग भास बंधन में बांध डाला, जब बांध दिए उनको बेटी सोच रही है तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिता का सबके सब उसने लूट भी लिया और मेरे पिताजी को बांध भी दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बनकर के आओगे ना तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। बोले कोई बात नहीं दूध भी पीलूंगा जहर भी पीलूंगा। इसलिए वही कृष्ण लीला में श्री पुतना बन करके आती है और स्तन में उसने जहर लेकर के आई, ठाकुर जी माँ की भाव भी प्रदान की और उन्होंने जहर भी उन्होंने पान की, ये भी एक कारण है। उसका जो नवमा कारण बताए, एक दिन वैकुंठ से भगवान की चरण की तुलसी और चंदन, ये वैकुंठ से ठाकुर की चरण की तुलसी की खुशबू ये ब्रह्मलोक में आया और ये चतुसन की नासिका में प्रवेश करते ही चतुसन तो एकदम उन्माद हो गए। पहले ये ब्रह्म ज्ञानी थे, बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ रहा है? बोले बेटे ये वैकुंठ से ठाकुर जी की चरण तुलसी और उसकी चंदन की खुशबू है। बोले पिताजी जिसकी चंदन तुलसी की इतने खुशबू वो कितने खुशबू नहीं होंगे? बोले हाँ बेटे बड़े सुंदर है, एक बार जाओ दर्शन करके आओ, क्योंकि ये पहले ब्रह्म ज्ञानी थे।
ये भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को पता है एक बार प्रभु का दर्शन करते ही ना ये सब कुछ भूल जाएंगे और प्रभु की प्रेम में ये सबके सब सराबर हो जाएंगे। बोले एक बार जाओ दर्शन करके आओ। तो उन्होंने जब दर्शन करने के लिए आए, बोले सात दरवाजा पार होने का बाद प्रभु का दर्शन, छह दरवाजे तो पार हो गए, अभी सप्तम दरवाजा में पहुंचे तो वहां पर जय और विजय खड़े हुए थे। और ये 5 साल की उम्र नंगे, वो बिना पूछे अंदर में प्रवेश कर गए। तो बोले कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, पता नहीं प्रभु अभी लक्ष्मी को साथ में किसी स्थिति में होएंगे, और बिना पूछे अंदर में घुसते जा रहे हो, अरे कम से कम पूछो तो सही। जब उन्हें छड़ी लेकर के रोक दिए ना, उन लोगों ने अभिशाप दे दिए, बोले जाओ ये वैकुंठ लोग है। वैकुंठ का मतलब है जहां पर काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष जन्म मृत्यु जहां पर नहीं। और हम जैसे इतने बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों के लिए प्रश्न करने का पूछने का जरूरत है, तुम लोग वैकुंठ में रहने का लायक ही नहीं है, जाओ तुम दोनों जाकर के राक्षस जन्म में चले जाओ। इतना बोलते ही ये दोनों रोना शुरू कर दिए। जब रोना शुरू कर दिए इतने में ठाकुर जी आ गए। बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले देखो बच्चों, अगर तुम मेरे भक्त बन करके जाओगे 7 जन्म के बाद में यहाँ वापस आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तो 3 जन्म के बाद में आओगे, बताओ क्या करना चाहते हो। बोले प्रभु हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी वैकुंठ में वापस आ जाए, जाओ राक्षस बन करके जाओ। खैर वे पहला अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिनको भगवान वराह और श्री नरसिंह भगवान वध करते हैं। दूसरे अवतार में रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, जिनको प्रभु राम उद्धार करते हैं। और तीसरा अवतार में ये शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए, जिनको कृष्ण वध करते हैं। फिर तीसरी जन्म में इनकी मुक्ति मिलती है, फिर प्रभु के पास मिलो। कितना कारण हो गया, अभी 10 पूरी हुई नहीं भगवान, इसलिए कहते हैं ना कारण हुआ है। हाँ कहते जो सबसे बढ़िया कारण है, हैं कि सबसे जो बढ़िया कारण भगवान इस जगत में इसलिए आए। कृष्ण गीता में उन्होंने एक प्रतिज्ञा भगवान की है, एक प्रतिज्ञा है ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। हे अर्जुन, मेरे को जो जिस रूप में भजन करते हैं मैं ठीक उसी के अनुरूप उनको भाव और प्रेम देता हूँ। कृष्ण की ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, जो जैसे भजन करेगा उसको प्रेम देता हूँ। लेकिन एक जगह में उनकी प्रतिज्ञा टूट गई। बोले कहाँ पर, भगवान जब रास कर रहे थे, रास करते समय कृष्ण गोपियों को कहते, बोले गोपियां नापारे अहम निरबद्ध संजुजा तो साधु तीर्थ विबुधाय उसने। हे गोपियां, ब्रह्मा जैसे परमाव लेकर के भी कभी तुम्हारी ऋणी में नहीं उतार सकता, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए सारे संसार का मोह ममता सब कुछ त्याग दे करके, सारे प्रेम को तोड़ करके तुम लोगों ने मेरे शरण में आए हो, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारी ऋणियों को कभी नहीं चुका नहीं सकता हूँ। इसलिए भगवान ये दिखाना चाहते है कृष्ण गोपियों के चरण में कितने बसे होते हैं, हैं? इसलिए भगवान ये चीज को जगत को दिखाने के लिए जगत में कृष्ण रूप में आए और भगवान इनको साथ में रास रचाए और उनको प्रेम में संपूर्ण ठाकुर जी भस्मीभूत हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते
Tera pyar kaise
हरे कृष्ण। अभी हम गोकुल चलते हैं वृंदा, अभी हम मथुरा से गोकुल चल रहे हैं। बोले गोकुल में देखो, आपको पूरा नई कथा सुना रहा, आप तो बहुत कथा सुने होंगे भागवत भाव, लेकिन कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म लिए हैं हमारे गोस्वामियों ने बड़ा सुंदर विचित्र वर्णन किया। कहते श्री नंद बाबा की जो पिताजी, उनका नाम था श्री परजन बाबा। कहते उनके पांच बेटे थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंद, ये पांच भाई। लेकिन पांच भाइयों में पहले ये चार वर्ण और ये चार आश्रम है। कहते चार वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बोले चार ही आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसको चार भाग में विभक्त किया है। पहले जैसे अभी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, पहले सबके सब बच्चे पहले जाते थे गुरुकुल में। अब लोग रामायण देखे होंगे, कृष्ण लीला भी देखे होंगे, भगवान राम भी वशिष्ठ जी को आश्रम पर गए, कृष्ण भी शांति बनी आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसलिए 25 साल तक सबके सब जाते थे गुरु जी के आश्रम में और उनके चरण में रहते हुए वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारे शास्त्रों का अध्ययन करते थे। जब अध्ययन समाप्त हो जाती थी फिर उसको बाद में आता है गृहस्थ। फिर पिता, फिर गुरु जी प्रश्न करते थे, बेटा बताओ अभी क्या करोगे, अभी तुम क्या करना चाहते हो। अभी जो गुरु जी के आश्रम में रहते हुए जब ये सारे वेद पुराण को पढ़ लेते थे, जिसको ये बात पता चलता था ये मानव शरीर बड़े भाग्य से ये मिलता है, 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते हैं। और ये जीवन का जो मूल उद्देश्य है अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म को प्राप्त करना ही ये जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मानव शरीर के सिवाय किसी जीवन में जीव को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए कृष्ण जिसको गीता में कहते हैं अर्जुन, आप ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपतु तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन जब तक जीव मुझे प्राप्त नहीं करता है तब तक ये 84 लाख जन्म में भटकता रहता है, लेकिन जीव जब मेरे पास में आ जाता है फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जगत में ये जन्म मृत्यु का खत्म उसको हो जाती है। अगर ये चीज को जो समझ जाता था, वो कहते थे गुरुदेव अभी हम संसार में वापस जाना नहीं चाहते, आपका श्री चरण में रहते हुए भगवान की भक्ति करते करते मुक्ति का मार्ग को हम दर्शन करना चाहते, वो गुरु जी के आश्रम में रह जाते थे। लेकिन जिनको ज्यादा ही संसार की भावना है, संसार के बगैर नहीं रह सकते थे, गुरु जी कहते थे बेटा अभी तुम घर में वापस जाओ, जा करके लव मैरिज नहीं करना, वहां पर जैसे पिता माता, जैसे वर्ण, जैसे आश्रम में, जैसे वहां पर ठीक कर लेंगे ऐसे ही शांति कर लेंगे। आप लोगों ने कभी पति को देखने के लिए घर गए, कभी गए थे ना? पति आपको देखने के लिए कभी घर आ गया नहीं? आ गई पिता माता जहाँ पर आंख बंद करके कुल मर्यादा का अनुरूप शादी करवा दिया, हम वहीं पर शादी कर लेते थे। इसलिए देखना जिंदगी भर बीत जाती, लेकिन अभी ऐसे नहीं चलेगा। बेटा देखेगा कितने लंबी गोरी ना काली, कितने क्वालिफिकेशन, फिर बोलेंगे फोटो दिखाने पर नहीं चलेगा, पता नहीं उसमें तो गोरे तो नहीं बना दी, उसको साथ में कुछ दिन हम घूम करके आते हैं, फिर उसको कितने क्वालिफिकेशन है, हैं? पता नहीं कितना कितना करके फिर शादी करके तभी नहीं टिकती, तभी नहीं टिकती है। हाँ, इसलिए इतने कठिन अभी है। इसलिए गुरु जी कहते थे बेटा जाओ घर में जा करके अपना वर्ण जाति के अनुरूप शादी करना, संसार में रह करके गृहस्थ आश्रम बताया, आश्रम मतलब क्या, घर में रह करके दोनों मिलकर के पति पत्नी भगवान की भक्ति करना दोनों मिलकर के, इसलिए गृहस्थ आश्रम इसको बताया है। लेकिन कब तक ये गृहस्थ आश्रम है? बोले 50 साल के बाद, ज्यादा नहीं। देखो 50 के बाद में जो अंक आता है ना, एका बन, मतलब और घर नहीं बन जाओ, गंदा बन जाओ भजन करने के लिए, बा बन, ते पन, चौ बन, ये बन बन शब्द आता है। इसलिए भागवत में बताया 50 ऊर्ध्व बनम ऋग्वेद,
50 साल के बाद में घर में और नहीं, इसलिए अभी वृंदावन गाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करो हैं, इसलिए ये बनवन बनवन ये बनवन शब्द आती है इसलिए। लेकिन अगर बन नहीं साउथ दिल्ली फिर क्या होगा, घर में बहू आएगी फिर लड़ाई झगड़ा बिना कारण की होगी, नहीं नहीं हां चाबी को लेकर के अपना घर लड़ाई उससे पहले ही क्या करो, अपना भक्ति के मार्ग को उसको पहले ही भक्ति का मार्ग को चुन लो हैं, इसलिए ये पहले नियम है। लेकिन अगर भक्ति करने नहीं गए तो गाड़ी से तो मतलब अगर भक्ति नहीं करोगे फिर सठिया बन जाओगे, फिर तुमसे भजन होने वाले नहीं। कोई कहते हैं ना भजन करने के लिए बोलो तो ये कोई उम्र है भजन करने का, जब हमारा दो रास्ते रहते तब तक भजन करेंगे तुम अभी से इंटरनेशनल भजन करने के लिए। हाँ देखो ये प्रहलाद महाराज बच्चों को यही बात समझाए, बोले बच्चों जब प्रहलाद महाराज छोटे बच्चों को लेकर रेड लाइट में जहाँ पे खेल छुट्टी होता है ना, जब बैठ करके उनको उपदेश दे रहे थे भजन करो, वो बच्चे प्रश्न किए बोले प्रहलाद हमने सुना भजन रिटायर्ड लाइफ में करते हैं, काल का जो मंदिर के अभी तो बच्चे हैं वहाँ पर, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे फिर हम लोग नौकरी चाकरी करेंगे शादी शुदा करेंगे, फिर बच्चों को शादी शुदा दिलाने का बाद कैलाश हिल जब किसी काम का नहीं रह जाएंगे ना एकदम अलग कर देंगे कैलाश हिल से वहाँ पे इसको। अभी से क्या भजन की बात कर रहे हो, देखो ध्यान देखो बहुत अच्छी बात है, प्रहलाद इतनी अच्छी अच्छी उपदेश दिए जो राक्षस बच्चे भी भक्त बना दिया। आप लोग ध्यान देकर सुनो उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं, ये एक श्लोक है बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतादिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम कौमार प्राज्ञम मतलब होता है जो बुद्धिमान है वो 5 साल उम्र से प्रभु की भजन करना शुरू कर दो। बच्चों ने कहा 5 साल से क्यों करेंगे, फिर एकदम सीधा जब बड़े होंगे करेंगे, बोले कोई गारंटी कार्ड किसके पास जाओ उसके साथ लेफ्ट हाथ में ना किसके पास में कोई गारंटी कार्ड है क्या, और एक पेट्रोल पंप कितना दिन जिंदा रहेंगे आप न्यूज पेपर पढ़ो ठीक है ना, कैसे आपका की बात आगे जाके फिर दोबारा लेफ्ट लेना आपको कितना हार्ड बैठ बैठ करके रात नाच सकते हो आगे जाओगे, इसलिए बोले कोई आगे जाके उसी गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास में इतना दिन जिंदा रहोगे, बोले नहीं तो अगले जीवन में करेंगे आगे जाके, बोले दुर्लभ मनुष्य ठाकुर जी ये मानव शरीर बार नहीं देते हैं, कहते लाभ 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है। अभी प्रश्न है हम बचपन से कैलाश कॉलोनी L1 बुढ़ापा में क्यों नहीं, देखो उन्होंने 5-6 एग्जाम्पल प्रहलाद ने दिया, उन्होंने पहला एग्जाम्पल देते ही थोड़ा सा आगे जाओगे कच्चा होना कच्चे मिट्टी में जो कुछ बनाना आप तो बना सकते लेफ्ट साइड में पहले लेकिन मिट्टी जब पक जाती है फिर उसमें कुछ बनती है, इसलिए मिट्टी जब पक जाए फिर उसमें कोई चीज बनती है कोई नहीं बनती है। दूसरे एग्जाम्पल दिए जब कागज कोरे होता है कोरे कागज में कुछ लिख सकते हो, लेकिन जिस कागज में एक बार लिखने के बाद दो बार लिख सकते हो उसको बनो वो दोनों ही जाएगा, क्या बांस जब कच्चा हो जिधर टेढ़ा करना उधर टेढ़े कर सकते हो, लेकिन बांस जब पक जाती है फिर टेढ़ा होता है वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। जैसे छोटा पौधा एक जगह से उखाड़ करके आप दूसरे जगह में लगाओ देखना वो जम जाएगी, लेकिन उसका जड़ जब जाता नीचे चली जाए उखाड़ करके जमा फिर जमेगा वो जमेगे नहीं, कहते हैं फूल जब खिला हुआ रहता है तब हम उसको ठाकुर का शरण चरण में चढ़ा सकते हैं, फूल जब सड़ जाए सूख जाए फिर उसको चढ़ाया जाता है नहीं जाता है, कहते सरकार उसको रिटायर्ड क्यों करता है, देखता है जब ये 8-10 घंटा बैठ करके और ये काम नहीं कर सकता है तभी उसको कहते भैया जो होना हो गया घर में जाओ तो तुम्हारे काम हो गया है अभी तुम घर में वापस जाओ, जब साधारण काम से तुम रिटायर्ड हो गए फिर भगवान की भक्ति कैसे करोगे। देखो उन्होंने अंतिम एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, कोई कोई कहते ना बुढ़ापा में भक्ति करेंगे, देखो उन्होंने क्या बात बताई, बोले देखो बच्चों तुमको मैं 100 साल की हिसाब देता हूँ, मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहेगा, बोले हाँ, बोले दिन आधा और रात आधा, आधा दिन और आधा रात,
मतलब 50 साल अंधकार में सो सोकर बीत गई, कितना साल रह गए? 50 साल। 10 साल तो बचपना में बीत जाती है, 60 साल गया। फिर 20-25 साल तो पढ़ाई लिखाई करने चाहिए, एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर है, कम से कम 25 साल चाहिए, कितना गया? 50 और 25 कितना हो गया? 75 हो गया, इसलिए 75 गया। अभी कितना रह गया उम्र? रह गया 25 साल। आप देखना 25 साल में जो बुढ़ापा 80 साल से लेकर 100 साल तक जो बुढ़ापा आप देखिएगा, आंख में दिखाई नहीं पड़ता है, कान में सुनाई नहीं पड़ती, कमर टेढ़ी हो जाती है, हैं? चलने का शक्ति नहीं रह जाती, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, एक बार बैठ जाओ तो उठने का शक्ति नहीं है। अब यहाँ पर 80 साल से कोई है? यहाँ पर 80 साल के अब देखना कोई भी 80 साल के यहाँ पर कोई नहीं है, 80 साल से कोई नहीं यहाँ पर है। इसलिए ये जो 20 साल जो जीवन है ये किसी काम की नहीं रह जाती है, केवल शरीर की चिंता करते 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 कर दिन रात एक बीमारी के पास दूसरे से तीसरे, ऐसे ही 20 साल कट जाती है। अब बीच में 5 साल बाकी रह गए। जब 5 साल में आपको पता होगा संसार में कितने कर्तव्य है, बच्चों को लिखाई पढ़ाई करना, उनको फिर शादीशुदा करना, बढ़िया मकान बनना, बढ़िया दुकान बनना। अब देखना भले ही 100 साल के हो गए, प्लानिंग ना हमारा 20 साल का बनी रहती है, जीवन में ये करना सो करना सो करना सो करना। प्रहलाद ने कहा बच्चों बताओ फिर तुम भक्ति करोगे तो, फिर ये भक्ति कब करोगे तुम? इसलिए है बच्चों भगवान की भक्ति बचपन से करो, क्योंकि इसी जीवन में ही प्रभु को तुम पहुंचना, इसी जीवन में किसी तरह से, और किसी जीवन में प्रभु का तुम पहुंच नहीं सकते हो। अगर अभी से चलना अगर सुर भर के हो सकता है, अंतिम समय तक तुम वहां पहुंच सकते हो। इसलिए बच्चों भगवान की बचपन से भक्ति करो। अब देखो ध्रुव प्रहलाद कितने उम्र में भक्ति की है? 5 साल उम्र। मीरा कितने उम्र में भक्ति की है? एकदम बच्ची, छोटी बच्ची जब थी। हनुमान जी ने कितने उम्र में? तुलसीदास ने कितने उम्र में? अब इनका जीवन देखोगे ना, ये सब के सब बचपन से प्रभु की भक्ति करना शुरू किया। आप लोग स्वयं देख लो, अपना एक्सपेरिमेंट स्वयं कर लो। आप सोचो ठाकुर के सामने केवल हम आधा घंटा बैठ करके नहीं, 10 मिनट बैठेंगे ठाकुर के सामने, 10 मिनट बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। अब देखना 10 मिनट में 1 मिनट भी मन आपको नहीं लगे। बोले क्यों? बोले जिंदगी भर रील में जो भरा हुआ वही तो निकलेगा ना। हमने जो रील में भरे जिंदगी भर, और रील में भरा हुआ वस्तु तो निकलेगा। इसलिए आंख बंद करते देखना, सारा दुनिया दिखने लग जाएगा, क्योंकि प्रभु के सिवा सारा दुनिया दिखेगा। इसलिए प्रहलाद कहते हैं बच्चों भगवान की भक्ति बचपन से शुरू करो। इसलिए श्री जो नंद बाबा के जो पिता परिजन बाबा थे, अभी उनको उम्र हो गया 50 साल, इसलिए वो 50 साल उम्र में सोच रहे और हमें घर में नहीं रहनी चाहिए, प्रभु की भजन करने के लिए हमें जानी चाहिए। इसलिए बताते ना 68 फिर 60 61 62 63 64 61 आता है, हैं? फिर तो ये इंद्रियां फिर काम नहीं करती, फिर हम सठिया बन जाते हैं। देखिए उसको बाद में आता है 69 70 71 72। इसका मतलब क्या है? हाँ, कहते हाँ तुम तर सकते हो, इसी उम्र में भी तुम तर सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भले सठ सो धरे सत सा हो जाएगा अगर हम जीवन में सत्संग करें। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनो सुलभ ना सके। इसके जीवन में हमें सत्संग करनी चाहिए। इसलिए श्री परिजन बाबा ने उन्होंने 5 बच्चों को बुलाया, बोले देखो बच्चों तुम लोग बड़े हो गए, तुम्हारी शादीशुदा हो गई है, हां शादीशुदा हो गई, अभी हम दोनों पति पत्नी
अभी हम जाना चाहते हैं वानप्रस्थ में जाकर के भजन करना चाहते। बच्चे लोग बोले ठीक है पिताजी, आप वानप्रस्थ में जा सकते हो। आप लोग रामायण देखे होंगे, देखे हो, देखो ना जब दशरथ महाराज एक दिन सीसा में जब देखे, उन्होंने देखा एक दो बाल उनकी पक गया, बोले और नहीं रहने, इसलिए उन्होंने राम को उन्होंने बुलाया, बोले बेटे अभी तुम बड़े हो गए, देखो हमारे एक दो बाल आते। पहले मैं बताया था ना, भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते, बोले माँ जब एक बाल पकता है ये फर्स्ट बार नहीं है ठाकुर जी के। पहले मैंने बताया था बाल कहाँ से पकता है, आप सबके सब देखना यहीं से पकना शुरू होता है, बोले कान में पहला बेल देता है। तो भगवान से कसम खा करके आया तो भजन करोगे, कितने माला कर रहे हो, कितने भजन कर रहे हो, कितने समय गद्दी गद्दी उल्टा पुल्टा पिक्चर देखते हो, कितने समय इधर उधर की बात कर रहे हो। बेटा ये मानव शरीर नहीं, ये कोई नहीं हीरा है, इसलिए कोई नहीं हीरा है ये जीवन, इसलिए ये पहला। इसलिए दशरथ महाराज ने राम को बुला करके फिर चले जाते हैं भजन करने के लिए जाना चाहते। देखो पहले लोग वृंदावन जाते थे, वन में जाते थे, सुविधा थी, लेकिन अभी वो सब सुविधा वुविधा कुछ है नहीं है। देखो कम से कम अगर वन में नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना घर में भजन करो, सवेरे नहा धो करके है, सवेरे नहा धो करके बैठो, बैठ करके थोड़ी सी भगवान का नाम जप करो, थोड़ा गीता पढ़ो, थोड़ा रामायण पढ़ो, थोड़ा भगवान की भक्ति करो। ऐसे नहीं बुढ़ापा आ गई, मैं देखा 8-10 पार्क में बैठ के ताश खेल रहे हैं, और जितने गप्पेबाजी जितने सारा दुनिया का, मैं जाता हूँ पार्क में घूमने के लिए, बैठ करके सारा दुनिया की जितने सारे बात बिना मतलब की सारे गप्पे मारते रहते हैं बैठ करके, नहीं ये जीवन कोई नहीं रह रहा है, इसलिए इसी जीवन में प्रभु के पास में पहुंच सकते हैं। इसलिए कम से घर में बैठ कर तो प्रभु थोड़ा भजन करो, हाँ थोड़ा तो भजन करो। देखो पहले मैंने बताया था आपके साथ एक कहानी, बोले एक समय, देखो बहुत महत्वपूर्ण कथा है क्यों प्रभु की भक्ति करे। बोले एक समय कोई करोड़पति व्यक्ति था, उसका हार्ट अटैक हो गई, अभी उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। जब उसके हार्ट की ऑपरेशन हो गई, उसका बिल बन गया 4 लाख रुपया, डॉक्टर ने उसको पकड़वा दिया, तेरे 4 लाख रुपया बिल हो गया। देखो इसको ध्यान देकर कथा सुनो, वो तो रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा भैया क्यों रो रहे, तेरे पास में पैसा की कमी नहीं, अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गई, खुश होनी चाहिए, वो तेरे को ज्यादा लग रहा है ना, 1 लाख रुपया ही कम कर देता हूँ, 1 लाख रुपया कम कर देता हूँ, और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। बोले फिर क्यों रो रहे हो, बोले पैसा के लिए मैं नहीं रो रहा हूँ। बोले क्यों, बोले मेरी उम्र हो गई 60 साल, जिसने जन्म से लेकर के अभी तक ये हृदय को हार्ट को जो चला रहा था, उसने अभी तक 1 रुपया उसने बिल मेरे को भेजा नहीं, लेकिन तुमने 1 घंटा ऑपरेशन किया तो कितना बिल बनवा दिया, 4 लाख तुमने बिल बना दिया। अगर वो बिल भेजना शुरू करना मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, हमें तो कंगाल हो जाएगा अगर वो बिल भेज दे तो। जैसे देखिए लाइट जलती है, फैन चलती है, इसका बिल भरते कि नहीं भरते हो, अगर 2-4 महीना बिल नहीं भरे तो क्या होगा बता, क्या होगा कट जाएगा। लेकिन जिसने दिन में इतना बड़ा लाइट दे रहा है, जिसने ये हवा पानी दे रहा है, अगर 5 मिनट हवा बंद कर देना हमारा सब हवा बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए हम कर रहे हैं क्या, उसके लिए कुछ नहीं करते, कोई 100 रुपया देना जिंदगी भर उसको याद करते रहेंगे। कभी कभी कहते ना भगवान ने हमको क्या दिया है, कुछ दिया, हम जिस चीज हाथ लगाते हैं सोने में भी मिट्टी बन जाती है। एक समय ऐसे कोई व्यक्ति बोल रहा था, वो आत्महत्या करने जा रहा था, इतने में एक संत ने बुलाया, बोले इधर आ जा, बोले क्या बात है, बोले क्या बात, हम तो संसार में बड़े दुखी है, भगवान मेरे कुछ नहीं दिया, सोने में भी हाथ लगा वो मिट्टी हो जाती है, इसलिए हम तो आत्महत्या करने जा रहे हैं, बोले इधर आ जा। बोले क्या बोल रहे, बोले मेरे साथ में आओ, हम तुमको बेचना चाहता हूँ। एक व्यक्ति को पास में ले गए, बोले देखो इसका जो एक आंख है ना, एक आंख में 10 लाख रुपया दूंगा है इसको, अब एक आंख का तुम कितना कीमत दोगे, बोले 10 लाख रुपया दूंगा। इसलिए बोले तो उसको एक आंख दे दो तेरे को मैं 10 लाख रुपया दूंगा। बोले नहीं नहीं मैं आंख नहीं दे सकता। बोले तुम्हारे 2 आंख होगी कितना कीमत होगी, 10-10 लाख कितना होगी, 20 लाख ही होगा। बोले तुम्हारी जो किडनी है, है ये किडनी को मैं 10 लाख रुपया देकर खरीदी करना चाहता हूँ, दे सकते हो। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले तुम्हारे पास में कितनी किडनी है, 2 है, उसका कितना कीमत कितना होगा, 20 लाख हो गया। बोले तुम्हारी ये 2 कान काट कर
तुम्हारे तुम्हारी जो हार है इसको दे दो, तुमको 20 लाख रुपया तो बदोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, बल्कि उन्होंने हिसाब लगा कर देखा तो तुमको भगवान ने ये जो मानव शरीर दिया इतनी कीमती चीज है जो जिसका तुम तो मोल नहीं दे सकते हो, और तू कह रहे हो भगवान तुम्हें कुछ भी नहीं दे। जानते हो ये मानव शरीर दिया तो ठाकुर जी तुम्हें कितने बड़ी चीज दी है, बहुत बड़ी चीज ठाकुर दी है। इसलिए हम ठाकुर का चरण में ऋणी है, इसलिए क्या करनी चाहिए उसके लिए, अरे कम से कम उसका नाम तो थोड़ा लो, अरे उनके लिए थोड़ा भगवान भक्ति तो उनके लिए थोड़ी सी करनी चाहिए ना, ठीक है ना। हाँ, एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी श्री परिजन बाबा दोनों अभी जाना चाहते हैं वानप्रस्थ में, बोले मैं सबसे बड़े बेटे को राज सिंहासन सौंप कर देना चाहता हूँ। बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का मेरे में योग्य नहीं, जो मझला बेटा जो नंद है इसका अंदर में राजा के सद्गुण, अब इनको राज सिंहासन दे दो, क्योंकि उनका नाम नंद, नंद मतलब क्या, बोले आनंद इति नंद, जो सबको जो आनंद प्रदान करते हैं वो नंद है। अभी उन्होंने नंद बाबा को राज सिंहासन पर बैठा दिया और श्री परिजन बाबा चले गए अपना मुक्ति मार्ग देखने के लिए। अभी 4 बच्चों का संतान है लेकिन श्री नंद बाबा के घर में कोई संतान नहीं, फिर बड़े दुखी है। और धीरे 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 मैया जशोदा की उम्र निकलती जा रही जो बच्चों ने कहा। एक दिन क्या हुआ, गोकुल में कुछ साधु लोग आए और उन्होंने साधु सेवा की इतने महिमा बताए, बोले नंद बाबा जो ना करे लकड़ी कहते सो करे फकरी, लकड़ी मतलब होता है भाग्य, जो भाग्य में नहीं है फकरी मतलब होता है भक्त है, अगर इनकी आशीर्वाद हो जाए ना असंभव भी संभव हो जाता है। संत सेवा कितने महत्व, देखो भागवत की एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, ये भागवत कथा की और भागवत दान का कितना महिमा, अशोक प्रभु ने जो घर में भागवत कथा करा रहे ना इसकी महिमा सुनो, ये 10वां स्कंध हम सुनेंगे। एक दिन कृष्ण का बच्चे खेल रहे, खेलते खेलते उन्होंने देखा कुएं में एक गिरगिट बना हुआ और इतने बुरी तरह से फंसा हुआ श्वास ले नहीं पा रहा था। कृष्ण का बच्चों ने बड़ी कोशिश की नहीं निकाल नहीं पाए, कृष्ण को बुलाया, बोले पिताजी जल्दी जल्दी आओ। बोले क्या बात है, देखो इसके अंदर में एक गिरगिट फंसा हुआ बुरी तरह से निकल नहीं पा रहा है। कृष्ण सब जानते हंसर जान, उन्होंने चरण बढ़ाया, कृष्ण का चरण स्पर्श होते गिरगिटी एक सुंदर देवता रूप में प्रकट हुई। कृष्ण का बच्चे आश्चर्य में पड़े, बोले ये क्या। इतने में उनको प्रश्न करते हैं कृष्ण, बोले आप कौन हो, बोले प्रभु आप तो घटघट वासी आप तो सब जानते हो, आप लोगों ने सुने होंगे सत्य युग में एक राजा हुए जिनका नाम था ध्रुव। कृष्ण का बच्चे बोले हाँ ये तो पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी, इतने बड़े दानी कोई नहीं हुए, कहते इन्होंने इतने गैया जो गैया केवल एक बच्चा जन्म दिया, हाँ दुधारू गैया उन्होंने दान की, बोले कितने, बोले पृथ्वी का धूल को कोई गिन सकते है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते लेकिन इनके दान को कोई नहीं गिन सकते। बोले फिर आप ये गिरगिट क्यों बने, बोले बीच में मेरी थोड़ी गलती हो गई। बोले किस चीज की, बोले मैं ये ब्राह्मणों को गैया दान देता था संकल्प करके, एक दिन मैंने एक गैया दान दी लेकिन वो गैया भागते हुए और जो गैया थे उसका अंदर में मिल गया, मेरे को पता ही नहीं चला, फिर मैंने संकल्प करके फिर दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अभी एक दिन पहले जिसको दिया था वो ढूंढते ढूंढते आ रहा था, देखा बीच में वो एक व्यक्ति और ले जा रहा है, बोले भैया राजा मेरे को कल ये गैया दान दिए थे। बोले राजा तो अभी मेरे को संकल्प करके दान दी, बोले नहीं ये गैया मेरी है राजा मेरे को कल दिए थे। बोले तेरी कैसे मेरी, अभी मेरी तेरी करते करते लड़ते लड़ते राजा के पास में आए, राजा देखा गड़बड़ी हो गया, क्योंकि जो गैया को एक बार संकल्प करके हम दे देते हैं फिर उसमें हमारी अधिकार नहीं दूसरा बार कोई संकल्प करके दे। बोले मेरे तो गलती हो गई, दोनों ब्राह्मणों के चरण में गिर पड़े, बोले मेरी अपराध हो गई, एक काम करो एक गैया एक ले ले दूसरे ब्राह्मण को मैं 10 गैया दूंगा।
बोले हमको वही गैया चाहिए, दस नहीं, बोले बीस, बोले नहीं सौ, बोले नहीं हजार, बोले नहीं बोले लाख, बोले नहीं बोले करोड़, बोले नहीं हमें उसी गैया चाहिए, क्योंकि बात पर अड़ गए गुरु। बोलो तो गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, एक बार दे करके दूसरा बार दे तो गिरगिट बनना पड़ेगा, अभिशाप दे तो चले। जब राजा की मृत्यु हुई, जमदूत उनको लेकर गए, बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य उन्होंने किया, इनकी कापी खोलो। जब कापी खोले, बोले महाराज इनकी दान की कोई हिसाब किताब नहीं, इसलिए इनको अक्षय स्वर्ग की इनकी प्राप्ति हुई। लेकिन बीच में इनकी एक गलती भी हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले जो गैया को उन्होंने एक बार संकल्प करके दान दिया, कोई बढ़ गया, संकल्प करके उन्होंने दान दे दिया, दूसरे बार उन्होंने फिर ब्राह्मण को दान दिया, इसलिए ब्राह्मण उनको अभिशाप दिए, गिरगिट बनना पड़ेगा। बोले बताओ तुमको, पहले तुम कुछ दिन गिरगिट बनना पड़ेगा, फिर तो अक्षय स्वर्ग तुमको प्राप्ति होगी। बताओ दोनों में तुम क्या पहले लेना चाहता हूँ? बोले जब पाप थोड़ी सी उसको ही ले लेता हूँ। बोले ये कब का बात है? बोले सत्यजुग का बात है। बोले अभी कृष्ण कब आए? बोले द्वापर का अंत में। बोले कितना साल हो गया? बोले कितने लाख साल तक उसने वही गिरगिट बना। हाँ अभी प्रश्न होता है, देखो आप लोग एक अच्छी चीज को समझो, बढ़िया चीज को समझो, कभी आप इस चीज सुन नहीं होंगे। तीन चीज है, एक है पाप है, एक पुण्य है और एक सुकृति है, तीन चीज। ये तीन चीज में फर्क समझो। बोले पुण्य किसको कहते हैं? बोले जैसे दुखी दरिद्र को दान देना, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलना, कहते ये पुण्य है। कहते इसका फल क्या? बोले स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो इसी जीवन में वैभव सुख शांति मिलती है, ये पुण्य का फल है। बोले पाप का फल? बोले पाप किसको कहते हैं? बोले वेद विरुद्ध कर्म को पाप कहते हैं, जैसे दूसरों को सताना, चोरी करना, झूठ, बेईमानी, मांस खाना, शराब पीना, ये जितने सारे पाप कर्म है। बोले इसका फल क्या? बोले नरक है। बोले कब तक नरक भोगेगा? जब तक ये तुम्हारी ये पाप खत्म नहीं हो जाए, फिर नरक जब खत्म होगा फिर तुम इसी संसार में आओगे, फिर ये जन्म मृत्यु का चक्कर में लटकोगे। बोले स्वर्ग में कब तक रहेगा? बोले जब तक तुम्हारी पुण्य समाप्त नहीं हो जाता है, फिर कहाँ पर आओगे? फिर यहीं पर आओगे। ये दोनों वस्तु नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो दोनों वस्तु ये शरीर संबंधी वस्तु है। जैसे शरीर एक दिन नष्ट हो जाती है, ये पाप पुण्य भी एक दिन नष्ट हो जाती है। लेकिन इससे और एक तीसरी वस्तु आती है, ये चीज को अच्छे तरह से समझो, जिसको भागवत में कहते हैं सुकृति। बोले ये सुकृति क्या चीज होती है? बोले ये शरीर संबंध नहीं, ये आत्मा संबंध है। जैसे आप लोग ये भागवत कथा सुन रहे हो, ये किसकी खुराकी है? ये आत्मा की खुराकी है। जैसे भगवान के नाम करते हो, ये किसका खुराकी है? ये आत्मा की खुराकी है। जैसे भगवान के दर्शन करते हो, प्रसाद पाते हो, तुलसी की परिक्रमा करते हो, ठाकुर जी को, भगवान और आत्मा संबंधी, ये आत्मा परमात्मा को साथ में ये नित्य संबंध है। ये जो आत्मा परमात्मा को लेकर के जो संबंध है, इसको कहते हैं सुकृति। बोले इसका फल क्या है? पाप पुण्य दोनों तो नष्ट हो गया, लेकिन इसका फल क्या? बोले इसका फल ये कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ठाकुर के लिए जो कुछ करते हो ना, ये जन्म जन्मांतर केवल डिपॉजिट रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। बोले भैया इसका क्या फल है? बोले इसका फल है ये ब्रह्मांड को भ्रमण करते करते, कृष्ण खुद कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 ये सुकृति जब बहुत इकट्ठे हो जाए, फिर भगवत इच्छा से किसी भक्तों का संग होता है। जब भक्त का संग होता है भगवत इच्छा से, फिर भक्तों से हमें पता चलता है हम कौन है, कहाँ से आए, फिर कहाँ जाना, हम कर रहे हैं क्या, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या, फिर उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वो प्रभु की भजन में लग जाता है। और प्रभु की भजन करने के बाद, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन आप ब्रह्म भुवना लोकात, अगर पुण्य करके ब्रह्म लोक तक जाओगे, पुण्य खत्म होते ही फिर आओगे, लेकिन माम उपतु तू कौंते पुनर्जन्म न। जब मेरी कोई भक्ति करता है, भजन करता है, उसका फल मेरे चरण है, और जहां जाने पर जीव कभी वहां से वापस नहीं आता। हाँ देखो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, फिर ये जो राजा था, फिर इसको कृष्ण दर्शन कैसे, इसको कृष्ण का चरण स्पर्श कैसे मिले, फिर ये भगवान को पास में पहुंचा कैसे? देखो
इसकी स्वभाव में था दान पुण्य करना। एक दिन सचमुच से इसको घर में कोई शुद्ध साधु आया, सचमुच से साधु कोई था, एकदम प्योर साधु था। उनका स्वभाव में था सेवा करना। तब उन्होंने एक दिन उनको खाना खिलाया, बोले बाबा आपको कुछ सेवा कर सकता हूँ? बोले मेरे को एक भागवत ग्रंथ दे सकते हो? इच्छा है भागवत पढ़ने का। उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, आप तो देखे होंगे पहले पहले ताल पत्ते के ऊपर लिखते थे। इन्होंने ताल पत्ते के ऊपर में जो श्रीमद भागवत ग्रंथ को उन्होंने 18,000 श्लोक को उन्होंने लिख करके उन्होंने ब्राह्मण को दिया। वो संत रोज रोज ये भागवत को पढ़ते थे। हम पहले सुने ये भागवत कौन है, इसलिए पद्म पुराण कहते हैं। उसमें 12 खंड है, जो प्रथम द्वितीय खंड ये ठाकुर का 2 चरण है, बाकी भी है। तृतीय चतुर्थ स्कंध बोले भगवान की 2 गुरु है, पंचम स्कंध भगवान का नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध ठाकुर का 2 हाथ है, नवम स्कंध भगवान की वक्ष स्थल, दसम स्कंध भगवान की कंठ, नवम स्कंध कंठ, दसम स्कंध भगवान की मुखार बिंद, और एकादश स्कंध भगवान की ललाट, और द्वादश स्कंध भगवान का सर। भले ये भागवत नहीं, कहते ये स्वयं वाक्य ज्ञान ठाकुर जी है। इसलिए यहाँ पर भागवत कथा को जो दान करते हैं, इसलिए गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर जगत में बड़े बड़े दान हैं, लेकिन जो भागवत कथा को जो दान करते हैं ऐसे जगत में बड़े दानी जगत में कोई है नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी तराजू लेकर के नापे, एक तरफ में सारे पुण्य रख दिए, दूसरे तरफ में भागवत कथा को रखे तो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और जितने पुण्य सबके सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। इसलिए ब्राह्मण ने केवल एक भागवत ग्रंथ प्रदान की, इसका फल क्या हुआ? साक्षात कृष्ण दर्शन, भगवान का चरण स्पर्श, और जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्ति हो गई। इसलिए जो भागवत कथा को जो दान करते हैं, इसका इतना पुण्य जो सोच नहीं सकते। देखो हमारे जो गुरुजी थे ना, अब इसको नाम सुने हो, इसको जिन्होंने इसको ना स्थापन किया, उनको जो गुरुजी थे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, वो एक अच्छी बात कहते हैं, बोले ये माया में जो जीव फंसे हुए हैं, अगर किसी तरह से इनके मन को, एक व्यक्ति का मन को प्रभु के भजन में लगा, बोले कितना पुण्य मिलेगा। वो कहते हैं बोले करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोलो, करोड़ करोड़ स्कूल कॉलेज अन्य छत्र खोलो, उसमें जो पुण्य मिलेगी उससे करोड़ गुण ज्यादा फल मिलेगी, अगर एक व्यक्ति को प्रभु की भजन का तरफ में जो लगा। वो स्वयं कहते बात को, बोले क्यों? बोले जगत का दान एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन जो भागवत दान भक्ति दान है वो मेरे पास में जीव के ले जाते हैं। इसलिए अशोक प्रभु ने अपना घर में, इन्होंने जो भागवत कथा करवाया ना, आपको पता चलता होगा कुछ दिन से कथा सुन रहे हो, आपका मन कैसे प्रभु का भजन में लग रहा है, ये पुण्य किसको मिलेगा? इन्हें कहीं ये पुण्य मिलेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा दान ही भागवत दान है। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए गोकुल में जब वो संत लोग आए तो उन्होंने संत सेवा की बड़ी महत्व बताए। नंद बाबा ने देखा जब गंगा बहते बहते घर के सामने आ गई, भैया गोता क्यों नहीं लगा? बोले कुछ दिन आप भी गोकुल में रुक जाओ, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो और कुछ दिन भजन करो। इतने में ये संतों को पता चला इनके घर में कोई संतान नहीं, बड़ी इच्छा घर में कि बालक भी जन्म हो जाए। वो आपस में चर्चा कर रहे थे, किसने नंद बाबा को बोले बाबा हमने सुना है ये संत लोग चर्चा कर रहे थे नंद के घर में छोरा कब है। बोले तुम लोग ने सुना? बोले अभी सुनकर जा रहे। बोले भैया जब ये संत लोग कहते घर में छोरा कब है, हो ये संत का वाणी कभी झूठी नहीं होगा, ठाकुर जरूर हमें बच्चा जरूर देंगे, घर में लाला होएगा, खूब संतों की सेवा करा। सचमुच से मैया जसोदा की उम्र बीत गई थी संतान होने की, लेकिन एक दिन दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न अक्सर करके सत्य होता है। बोले स्वप्न उन्होंने क्या देखा? बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्तवांक स्थली पयोधार स्फुटमसो क्रीडांगमयम लोक्यते। वो स्वप्न था, दोनों का नींद खुल गई। नंद बोले जसोदे जसोदे
मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखी। बोले आप बता आपने क्या देखा। बोले मैंने देखा तेरी गोद में श्याम रंग का एक सुंदर बालक बोल रहा है और तुम्हारी स्तन पान करते करते ये दोनों धार से दूध बहते बहते उसको कुर्ता भीग रहा था। जसोदा बोले मेरी स्वप्न देख लो, मैंने भी देखा एक सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते आ रहा है, कपड़ा खींचते हुए। बोले भैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला दे। सचमुच से उसी रात को ना ये मैया जसोदा गर्भ धारण की। पूरा ब्रज में हल्ला हो गया। बोले भैया संतों की सेवा तो बड़े ताकत है। हाँ ये उम्र बीत गई थी संतान की, लेकिन मैया जसोदा गर्भ धारण की और जितने ब्रज की गोपियां थी वो छह छह महीना पहले चौरासी चौरासी गज की लहंगा बना कर रखे, चुनरी बना करके रखे, और जितने गोप लोग थे सबके सब हैं बगल बंदी धोती पगड़ी बना करके रखे। बोले हम सबके सब पहन करके नंद की लाला को हम बधाई देने जाएंगे सबके सब। नंद बाबा की बहनी थी सुनंदा, वो सारे घर का कामकाज को ही देख रही थी। ऐसे लग रहा था आज रात कोई संतान जन्म हो जाएगा। देखो पहले अभी तो मशीन निकल गया ना, पहले पता लगा लेते बेटा होगा ना बेटी होगा, लेकिन पहले बड़ी बूढ़ी कुछ लक्षण देख कर बता देती थी। बोले जसोदे जसोदे लगता है तेरे गर्भ में बेटा होगा। बोले पता कैसे चला। बोला तेरा जो होठ है ना पीला पीला दिख रहा है, ये शास्त्र भी ये बता रहा है, अगर होठ पीला पीला हो तो पता चलेगा घर गर्भ में बेटा है। एक बड़ी बूढ़ी बोली बोले तुमने कुंवारी पड़े में कोई जुड़वा केले तो नहीं खा ली थी। बोले क्यों। बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चे है, हर कृष्ण और जोग माया दो थे। गर्भ में बच्चे रहते हुए माताओं को चटपटी चीज अच्छी लगती है। बोले मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है। बड़े सुंदर खीर बना करके ठाकुर को भोग लगाए, जसोदा मैया को खाना खिलाए। लगता है आज रात को ही बच्चे का जन्म हो जाएगा। बोले एक काम करो, दो घंटा ड्यूटी लगा दो, आठ से दस, दस से बारह, दो दो घंटा। अभी आठ से दस तक जिनको ड्यूटी लगाए वो तो मिलकर कीर्तन किए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 जय
चिंतन की, लेकिन 10 बजे को बाद में जो मायने सबको सुला दिया, कहाँ चिमटा गिरी, कहाँ ढोलकी, कहाँ मजीरा, किसको बताई है? कब श्री वसुदेव महाराज आए और आ करके उन्होंने बच्चे को रख करके और बेटे को रख करके बेटी को कब लग, किसको बताई नहीं पड़ा है? इतने में सबके सब सोए पड़े हुए और सबसे पहले श्री सुनंदा की आंख खुली, बोले भैया भाभी क्या कर रही है, भाभी का हालत क्या है? उन्होंने दरवाजा खोल करके देखा, एक श्याम सुंदर बच्चा मैया की गोद में किलकार मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया पता किसको नहीं चला बच्चा कब हो गया? बोले ये सबसे पहला खबर श्री नंद बाबा को तो मेरे को नवला के हार मिलेगी, लेकिन नंद बाबा कहाँ ढूंढो? देखा नंद बाबा तो बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ कर माला सटका रहे थे, माला जब कर रहे थे, क्या माला कर रहे थे? बोले छोरा कब है वो, लाला कब है वो, छोरा कब है वो, छोरा, यही सोच रहे थे छोरा कब है वो, छोरा कब है वो, क्योंकि उन्होंने एक बेटा के लिए कितने तपस्या, कितने दान, कितने तत्काटन, कितने उन्होंने किया है, हैं? इसलिए यही सोच रहे थे क्या होगा, लाला होगा ना लाली होगा। इतने में सुनंदा भागते भागते हाँकते हाँकते आई, बोले नंद बाबा भैया कमाल है गए हो, इतना बोले तो नंद बाबा तो छलांग लगा दी। बोले बोले बताओ बहन कहा गई हो, बोले बताओ पहले क्या मिलेगा? बोले तेरे को नवला की हार मिलेगी। बोले बाबा बात इतने बड़ी है जिसको सामने नवला का हार भी कछु ना। बोले क्या नवला की हार कछु नहीं? बोले नहीं। बोले इतने बड़ी बात? बोले हाँ। बोले ठीक है, वो जमुना किनारे में जितने जमीनी जगाते हैं ना गैया चरण सारे तेरे नाम पर लिख दिया। बोले बाबा बात इतने बड़ी जिसको सामने ये जमीन भी कुछ नहीं। बोले क्या जमीन भी कुछ नहीं? बोले और क्या मिलोगे बताओ? बोले लो ये टेजरी का जितने चाबी का ठीक ले, जो इच्छा सो ले लेना, लेकिन बता दो कहाँ गए हो। बोले भैया बात इतने बड़ी तेरे ट्रेजरी का चाबी काटी में उसके सामने कुछ नहीं। बोले क्या ये भी कुछ नहीं? बोले नहीं, इतना बात बड़ी बात है। बोले और क्या दोगे? बोले आज से मैं तेरा ही हो गया, बताओ सब कुछ तेरा हो गया, तुम बताओ घर में कहाँ गए हो। बोले भैया तेरे घर में लाला भाई हो है। बोले श्री नंद के लाला भाई कपड़े कोड़ करके दान करूंगा। बोले ये संतों का आशीर्वाद से आज लाला का मुख दर्शन करने को मिलो, पहले संत ब्राह्मण को बुलाओ, उनसे स्वस्ति वाचन पढ़वाओ। फिर बड़े सुंदर उन लोगों ने स्वस्ति वाचन पढ़े। बोले जाओ नाई को बोल दिया पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवाओ, जितने ब्रज की गोप गोपियां सब बधाई देने के लिए आए। और सुनते ही जितने गोपियां 84 गज की लहंगा चुनरी पहन करके, हाँ 3-4 मटकी में दूध दही मक्खन मिश्री लेकर के बड़े श्रृंगार सज धज करके आ रही थी। आते समय ये कान की कुंडल जोर जोर से हिल रही थी। बोले क्यों? बोले तुम लोग पहुंचने पहले मुझे ही छोड़ दो, हम जाकर के पहले कन्या को हम बधाई दे करके आए। और चोटी में जो फूलों की माला को श्रृंगार करके रखी थी वो प्यार के ऊपर में गिर रहा था एक एक। बोले क्यों? बोले जो लोग कृष्ण को बधाई देने जा रही है चरण की पूजा करनी चाहिए, अगर चोटी में रहेंगे तो इसको हम यमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिली जाएंगे कृष्ण बड़े होकर के ठुमुक ठुमुक कर जब चलेंगे कृष्ण का चरण की स्पर्श हमें प्राप्त होगी। जितने गोपियां थी सबके सब मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो जसोदा की दल बैठे, इसलिए मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा भैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो बधाई हो, ठीक है? बोले मैया जसोदा बधाई हो। आधा तो बोले और कुछ चुपचाप बैठे हुए, भगवान जन्म के तुम्हें आनंद नहीं आ रही? आ रही ना, जोर से बोलो जैसे लगे लाला भाई हो। बोले मैया जसोदा बधाई हो। मैया बोली बधाई हो बधाई हो गोपियों, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बुरी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है। ये लाला मेरो नहीं, सब लाला तुम्हारी। अब जितने गोप लोग थे ये सबके सब श्री नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। नंद बाबा का दल कितने छोड़ी है, देखो हारना नहीं जोर से, जो नंद बाबा के दल बैठे हुए हारना नहीं जोर से बोलना है। उनको श्री जितने ब्रज के गोप लोग नंद बाबा को बधाई दे रहे थे,
बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखा आपको हरा दिया ना, किसने हरा दिया? ये माई वाले गड़बड़ी कर दिया ना, हमने ये गड़बड़ी कर दिया। लेकिन जो कुछ होने पर ना, अगर कृष्ण का दल और राधा रानी के दल में कंपटीशन होती है, जानते हो जीत किसके होती है? जीत राधा रानी की जीत होती है। इसलिए अभी नंद बाबा बोले बधाई हो ब्रज के गोपलो, तुम लोगों का आशीर्वाद से हमें ये बूढ़े उम्र में भी लाला का मुख दर्शन करने को मिलो। लाला हमारा नहीं, लाला तुम्हारा लाला। जितने ब्रजवासी कन्हैया को सबके सब बधाई दे रहे थे, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो बधाई दे रहे थे हैं। अभी सबके सब आ गए, अभी दो व्यक्ति बाकी है। बोले कौन है? बोले एक वृषभ हरि महाराज कृतिका सुंदर। कहते ब्रज में दो राजा है, नंद और वृषभ हरि महाराज, हैं राधा रानी की पिता माता के नाम है। अभी ये दोनों आ गए ना, फिर देख उत्सव आरंभ हुई कि देखते देखते दोनों प्रवेश करते ही। जब उन्होंने प्रवेश किए, अभी नंद उत्सव प्रारंभ होगी, इतने में एक गोप ने गया, कृतिका मैया अपना सर के ऊपर दूध दही मक्खन की मटकी लेकर गाय थी, डंडे से मारे तो डंडे मटकी फूट गई और जितने दूध दही था सबके सब लथपथ हो गई। एक दही गाती होती है, दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, और वहां पर एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे और सब सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबके सब इसको भजन को गा रहे थे, सबके सब गा रहे थे भजन को, और वहां इतने किचड़ किचड़ हो गया, फिसल फिसल करके एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और सबके सब गा रहे थे। एक 80 साल की माता जी बुढ़िया वो देख रही थी, बोले भैया बड़े जोर की नंद महोत्सव है रहे। वो ऐसे देख रहे थे, इसको एक भी दांत नहीं थी, और मक्खन की डेला है ना एक दूसरे के ऊपर में फेंक रहे थे। इतने एक गोप ने उसको मुंह को लख्या करके इसे मारे, एक तो दांत थी नहीं, मुंह में लगाना सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद उत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं। अभी नंद बाबा का आंगन बहुत बढ़िया है, इतने दूर दही लाए थे पूरा वो आंगन आंगन भर गया, लग रहा था जैसे एक खीर समुद्र प्रकट हो गया। सारे ब्रजवासी बोले नंद बाबा तेरे घर में लाला भय हो गए, अरे कम से कम आज का थोड़ा नाच ले, देख सबके सब नाच रहे, आज थोड़ी तो नाच लो। नंदा बाबा को पकड़ करके बीच में ले आए, हाँ बीच में ले आए। बोले कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, देवता दैत्य मिल करके ये लवण समुद्र मंथन की सबसे पहले बीच निकला, जिसको श्री भोले बाबा ने पान किया है, और उसमें 14 रत्न निकला था। बोले यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित रमा क्रीड़न अभूत परमा, मतलब लक्ष्मी। नंद बाबा इतने सोना चांदी दान दे रहे थे, इतने सोने चांदी दान दे रहे थे, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे। वो गठली के कोने से निकलते गिरते 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 जा रहा था, पूरा गली गलियों में हीरे जवाहरात बिखर रहा था सबके सब, लग रहा था कृष्ण जन्म होने पर माँ लक्ष्मी गली गलियों में नाच रही है माँ लक्ष्मी। वहां पर कहते कितने रत्न निकला, बोले अथाह रत्न वहां पर निकली। कहते हमारे इसमें 14 रत्न निकला था लवण समुद्र मंथन में से, लेकिन सबसे पहले निकला था कौन? 20, जिसको शंकर जी पान किए। बोले यहाँ पर स्वयं आनंद कंद कृष्ण स्वयं पहले निकले, जो आनंद स्वरूप है हैं। अभी वहां पर शंकर जी आए थे, शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। नंदी शंकर तो डर गए, बोले क्यों? बोले नंद बाबा तो 20 लाख गया दान दे रहे थे, अब चिंता करो 20 लाख गया कितना होगा। बोले भैया भूल से मेरे नंदी को तो दान नहीं दे देंगे, फिर मेरे बहाने चली जाएगी। शंकर नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े गए। वहां पर माता पार्वती आई थी, उनको दो बेटे लेकर के, दो बेटे कौन कौन थे?
कार्तिकेयन गणेश। और गणेश का सर कैसे है? हाथी जैसे सर है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। बोले भैया भूल से मेरे बेटे को दान नहीं देते। उन्होंने अपना बेटे को गोद में लेकर के बड़े जोर से चुपका कर खड़ी हुई थी हैं। और वहां पर श्री धन कुबेर स्वर्ग का जो सारे संपत्ति का मालिक वो भी आए थे। नंद बाबा इतने दान पुण्य कर रहे थे, उनका सर भी नीचा हो गया। बोले इतने दान दे रहे, मेरे पास में भी इतने धन दौलत नहीं, इतने दान भी। मेरे प्रश्न है इतने कहां से आया, इतने रुपया पैसा नंद बाबा लाए कहां से? जहां पर कुबेर भी लज्जित हो गए दान देख करके। बोले इसका कारण बताए, जब कृष्ण जन्म हुए उनकी जो लादिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी वहां पर प्रकट हो गई, जो सर्व लक्ष्मी वही श्रीमती राधा रानी। माँ लक्ष्मी आदेश देती है, मेरे प्रियतम के जन्म उत्सव में इतने दान पुण्य हो, जब तक ये दुनिया रहे तब तक याद करते रहे मेरे प्रियतम की जन्म उत्सव में नंद बाबा क्या दान दिया है। और जहां पर स्वयं राधा रानी आ जाए हैं, सर्व लक्ष्मी मई ये श्रीमती राधा रानी, फिर तो वहां पर किस चीज की कमी। इसलिए सबके सब आनंद में गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रभु जी एक भजन गाएंगे और ये नंद महोत्सव में नाचने का बड़ा पुण्य है। कल का मथुरा में कृष्ण जन्म हुआ है, वहां पर तो बहुत डर था कल से जग नहीं जाए, लेकिन गोकुल में कोई डर भय नहीं, यहाँ पर खूब जोर से नाच सकते हो, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर आज खूब जोर से नाच सकते हो। बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल नंद के लाल की, जय जय श्री राम। आज परदेसी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला। आज बरफीसी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला। पीड़ा से प्यारे बने बलदेव जू, रस खीर सिरो नंद महीप बगे नमकी, नंद महीप बगे नमकी, गोकुल गोप सब गरम मसाला। अर जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुनाला। अरे जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुनाला। बोल नंद के लाला की जय। अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। हल्ला सो मच गए बुल्ला सो मच गए, I'm not the one who's got the power.
Bye.
बाल होने हो गई जिसे से हो गया बेटा नंद झुके हो नंद झुके हो नंद झुके आगे तावे बनी नहीं आज बताओ नंद झुके आगे तावे बनी नहीं आज सौ सौ बार बधाई दो लाखों बार बधाई
I don't care.
कृष्ण हरे कृष्णा सबके सब बैठ जाओ बताए सबके सब बैठ जाए अभी कोई खड़े मत हो हरे कृष्णा अभी कथा हो बैठ जाओ बस वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम हरे कृष्णा हाँ हरि बोल सब सब आगे आगे सब आगे यहाँ पर खाली पड़ा हुआ ये जगह खाली पड़ी हुई यहाँ पर सब से बैठ जाओ जिनको जगह नहीं मिलती है यहाँ पर बैठ जाओ हरे कृष्णा प्रभु जी जो अभी नहीं दस मिनट बाद में दस मिनट बाद में जाओ अभी दस मिनट बैठ जाओ दस मिनट बाद में जाओ ठीक है हरे कृष्णा बोले एक बार हाथ उठा के बोला बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम और आगे बोला हरे हरे बोल ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे हरि बोल हाँ हरे कृष्ण सबके सब बैठ जाओ हाँ ये जो घर के जितने भक्त लोग हैं ना सब सबको बुला लो उधर जितने सबको बुला लो अभी दस मिनट हम विषय से बात करेंगे जो अंदर में बाहर में सबके सब अंदर में बैठा दो दस मिनट के लिए सबको बैठा दो ठीक है महाराज जी मुकेश माता जी बोल रहे हैं ठाकुर जी का नाम नाम चाहिए नाम नाम रख दीजिएगा मेरे उसका कोई चिंता हाँ एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय जय श्री राधे हरे कृष्णा हाँ देखो हम लोग सात दिन कथा सुनेंगे लेकिन ये जो सातवीं कथा का सार क्या है ऐसे नहीं आए नाचे कूदे और कथा भी खत्म और हम भी खत्म नहीं हाँ कथा से कुछ लेकर के जाननी चाहिए क्योंकि ये कथा का जो सार है और ठाकुर जी का नाम है इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत कथा को उन्होंने शुरुआत की वो भगवान का नाम से शुरुआत करते हैं ठाकुर जी की नाम से उन्होंने शुरुआत की लेकिन जब उन्होंने अंतिम जब श्लोक उच्चारण करते हैं वो ठाकुर जी की नाम से खत्म करते हैं इसलिए देखो फर्स्ट श्लोक है बोले नाम संग लास्ट श्लोक है बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम ये लास्ट श्लोक है मतलब भगवान का नाम संकीर्तन से ही जीव का कल्याण शांति सुख और सारे पाप इससे नष्ट होता है ये लास्ट श्लोक है लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट श्लोक उच्चारण की बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् जोगिनाम नृपनिर्नित हरि नामानुकीर्तन ये फर्स्ट श्लोक है मतलब है अगर जीव का अगर कल्याण हो तो नाम संकीर्तन से जितने वेद जितने पुराण जितने उपनिषद सबके सब एक ही बात बताए कलिजुग केवल नाम आधार और सुमिरि सुमिरि नर उतर यही भागवत का निचोड़ है अगर पूरी भागवत कथा सुन करके भगवान की नाम में अगर हमारी रुचि हो गई समझना कथा सुनना सार्थक हमारी कथा सुनना सार्थक इसलिए देखो भारत में जो नियम है जब अंतिम सारे में शरीर छूटती है शरीर छूटने के बाद जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते ले जाते हैं यही बोलते हैं ना राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल गलत्य है सब कोई बात झूठा यही बोलते हैं ना बोले बेटा जितने तुमने नाम जप किए अभी तेरे साथ में वही आ रहा है और तुमने जो कुछ किया झूठे में बिताया एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं था इसलिए मीरा कहती है पावे जी मैंने राम रत्न दमय इसलिए आपको एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा सब जगह में यही कथा सुनाता हूँ ये कथा के सार रूप
इसलिए छोटी सी कहानी अब याद रख लेना, और कथा सुनाने का बाद है ना मैं किसी को भी बोल सकता हूँ सुनाने के लिए, अगर जो नहीं बोल पाएगा बीच में मैं खड़े कर दूंगा उसको। इसलिए देखो कोई एक राजा था, कहते राजा के चार रानियां थी, कितना थी चार, चार।, चार।, चार रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को ला देकर ला लाकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी चार रानियों में वो देखने में सबसे प्यारी सबसे सुंदर थी। राजा जब नगर घूमने जाता देख रहा हूँ तू कहो मरोगे और मैं दूसरे से शादी करने वाला हूँ। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले देख मैं कितनी सुंदरी और है तू बड़ी प्यारी, बोले जिसको पास में जाऊंगी वही मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो तेरे दूसरे से शादी करूंगी। राजा को तो और ज्यादा दुख मिला, हाँ एक से एक धोखे देने वाले निकल रहे थे। अभी तीसरे नंबर से मुझे तीसरी नंबर कौन थी जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, हाँ मन की बात बोलता था। बोले तू चलोगी साथ में? ये थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा पे चलूंगी। बोले दरवाजा पे चलना जिसको चलना कहते हैं। बोले अगर तू ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो आगे बढ़ूंगी लेकिन तेरे साथ नहीं दे सकती। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं, दरवाजा तो जो चलना उसको थोड़ी चलना कहते हैं। ठीक है तुम जो कुछ किए किए। अभी चौथी नंबर से पूछी, चौथे नंबर कौन थी राजा जिसको सबसे ज्यादा जीवन में नेगलेक्ट किया, किसी काम की नहीं बेकार है कचड़े जैसे फेंक रखा था। लेकिन राजा जब उससे पूछा तू साथ में चलोगी लेकिन वही राजी होती है। बोले राजा तेरे को मैं सबसे जीवन में ज्यादा प्रेम करती हूँ दिल से, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार भी मेरे तरफ में झांक करके नहीं देखा, कभी मेरे से पूछा भी नहीं साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। भले ही तुमने मेरे प्रति जो किया किया है लेकिन दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दिखी रहूंगी। अभी राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए हमने जिंदगी बिताया वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार है। देखो यही भागवत की सार है। अभी ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो, अगर अच्छे तरह से हम समझ गए ना समझना पूरी भागवत कथा सुनना हमारा हो गया, सारी भागवत कथा में आना तुम्हारी सार्थकता होगी अगर इतनी सी बात अगर समझ गए तो। अभी अच्छे तरह से समझो, बोले जगत में सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो जिस समय मांगती उसी समय ला ला कर उसको देते हैं, खुश रखते हैं। लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगी उसको जब पूछेंगे वो हमारे साथ में एक कदम भी जाने वो राजी नहीं होगी, एक कदम भी वो जाने के लिए तैयार नहीं। कहती ये कौन है जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसकी मन पसंद चीज को ला ला कर देकर उसको खुश रखते हैं, कहती ये कौन है सबसे बड़ी रानी कौन है? अब तो सुने कौन है? शरीर। कहती ये हमारे शरीर है, हैं? ये शरीर है जिसको मन पसंद चीज देते हैं। अगर शरीर कहता है मैं ब्यूटी पार्लर में सजना चाहता हूँ, बोले चलो सजवा करके लाएंगे। बोले जिम में जाना चाहता हूँ, बोले जिम में करवा कर लाएंगे। बोले चवन प्रास खाना चाहता हूँ, बोले चवन प्रास खिलाएंगे। बोले ऐसे साड़ी पहनना चाहता हूँ, बोले मधुर साड़ी पहन के लगा देंगे। बोले हम तो गोल गप्पे खाने चाहते, बोले तड़के डाल खिलाएंगे। अब देखना ये शरीर हमें जिस समय जो चीज मांग करती है ना हम उसी समय उसको ला करके देते हैं। अंतिम समय आया उसको पूछे भैया तेरे लिए तो जिंदगी दिया साथ में चलोगी? बताओ ये शरीर चलेगी? कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा खड़ा रह जाएगा। ये शरीर से जब हंस उड़ते हुए चले जाए ये शरीर, हाँ जिसको इतने हमने साबुन क्रीम ब्यूटी पार्लर में क्या क्या इसके लिए हमने नहीं किया ये शरीर ही रह जाते हैं, हमारे साथ नहीं देती। अभी दूसरी रानी आई, कौन थी दूसरी? सबसे जो सुंदर है, सबसे जो सुंदर थी। उससे पूछे साथ में चलोगी? बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तुम मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। कहते सबसे सुंदर क्या है? हम कहते ना बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि ये सबसे सुंदरी। पैसा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पता आप कितने कष्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए, आपको पता होगा है ये पैसा को दिखाया मतलब बढ़िया गाड़ी में घूमे, बढ़िया खाए पिए, मकान दुकान बढ़िया पहने, दुनिया को दिखाया कुछ है साथ में चलोगी? बोले भैया मैं तो देख रहा हूँ तू कम भरोगे, मैं दूसरे से शादी करने वाला हूँ। मतलब है आज पैसा हमारा पास में उसको हम भोग कर रहे हैं
लेकिन ये शरीर छोड़ते ही ये पैसा झट दूसरों का नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कहते भैया मैं तो दूसरे से शादी करने वाले और तेरे साथ में मैं जाने वाले नहीं हूँ, तो दूसरे को साथ में शादी कर लेते। अभी तीसरी नंबर आई, जिसकी मीठा मीठा बात सुनता था, हैं मन की बात बोलता था, बोले ये कौन है, बोले ये सबके सारी परिवार है, जिनको साथ में बैठ करके मन की बात करते हैं, हाँ दुख सुख करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोला हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। हमारी हिंदू संस्कृति है जब पति शरीर छोड़े पत्नी कहाँ तक जाती है, दरवाजा तक चलती है। बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तक आगे बढ़ोगे लेकिन तेरे साथ नहीं चल सकते। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया हाथी से जाएंगे, राम नाम सत्य करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक ले जाओगे, बोले शमशान तक, बोले उसको बाद में, बोले और नहीं चल सकते, वहीं से हम वापस आ जाएंगे। देखो अभी ध्यान देकर सुनो, जो हमारी अंतिम स्त्री है, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखा, ये बेकार किसी काम की नहीं, कचड़े जैसे, लेकिन जब उसको पूछे साथ में चलोगी, लेकिन वही अंतिम समय में राजी होती है। कभी ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा बेकार करके फेंक रखे, कभी भगवान की भक्ति और ये भगवान के नाम है। अगर किसको बोले एक माला करो पेट भरेगा, जिसका कोई काम धाम नहीं वही सब माला लेकर हरे कृष्णा करते। हमारे तो टीवी देखना, गप्पे मारना, इसकी बात दुनिया की, कितने सारे बात बड़ा हुआ करने का, हम भगवान के नाम कैसे जप करेंगे। लेकिन देखो अंतिम समय में जब समय होता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य, यही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने तुमने प्रभु का नाम लिए हो केवल तेरे साथ वही जा रहा है, और जो कुछ तुम्हारी झूठे में बिताया एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ नहीं जा रही। इसलिए मीरा कहती है पाया कि मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए मीरा दूसरे भजन में गाती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। कभी जिन जिन ने यह मोती लूटे उसो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो अकाल हुए। इसलिए तुलसी मिला और नरसिका, देखो जिनका नाम जगत में अमर हो गया है जिनका नाम, लेकिन हम क्या चाहते हैं, भक्त बनने नहीं, कहते हम तो बॉलीवुड में बेटा बेटी को हीरो हीरोइन बनाएगा, बॉलीवुड में हीरो हीरोइन, बताओ 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी उनका कोई नाम ले रहे हैं दुनिया में। लेकिन मेरा ध्रुव जी का नाम देखो, प्रहलाद देखो, हनुमान कब करोड़ों साल पहले आए, अभी घर घर में जिनकी पूजा हो रही है, अमर जगत में वो अमर हो गए जगत में। इसलिए कहते हैं अगर सब जगत में सबसे बड़ा जो प्रशंसा किसकी, जब भगवान की कोई भक्त बोल कर कहा है। जगत में बहुत सारी स्त्रियां हुई है, हमारी मैया की मैया की मैया भी हुई, लेकिन इनका नाम हम नहीं ले रहे, लेकिन मीरा के नाम ले रहे हैं, मीरा के नाम ले रहे हैं। बोले भैया मीरा से क्या काम किया दुनिया में अमर हो गए, बोले भगवान की भक्ति की है, भगवान की भजन की है। इसलिए आप लोग ये बताओ, बताओ कौन सा रानी को प्रति हमें प्रेम करनी चाहिए सबसे ज्यादा, चौथी रानी, चौथी रानी। आप लोग तो बड़े बड़े पंडित लगते हैं, इसलिए हमें ये चौथी रानी को हमें प्रेम करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सवेरे नहा धो करके सबसे पहले घर में बैठ। देखो जो इसको नाम सुने ना, जो स्वामी महाराज होंगे वो कहते थे भगवान ने हमें 24 आवर दिया है, बोले 8 घंटा सो, 8 घंटा काम करो और 8 घंटा भजन करो, उनका ये वाणी है। 8 घंटा सो, सोने के लिए बहुत है, 8 घंटा काम करो और 8 घंटा भजन करो। बोले नहीं काम तो ज्यादा समय लगता है, बोले 12 घंटा कर लो, काम कितना घंटा कर लो, बोले 12 घंटा बहुत है ना, 12 घंटा से ज्यादा कोई काम करते हो, 12 घंटा काम कर लो, 8 घंटा सोने के लिए कितना घंटा चाहिए, 8 घंटा बहुत ही ज्यादा, ज्यादा कोई सोए तो 8 घंटा सोते है ना, अभी कितना घंटा बचा है, 4 घंटा। वो कहते हैं सवेरे 2 घंटा भजन करो और शाम को 2 घंटा भजन करो। वो कहते थे देखो, कहते थे सवेरे जो 2 घंटा है वो अपना परिवार को शत्रु मानो, ये हमें सबके सब शत्रु है, क्योंकि ये जीवन हमें जो मिला भजन करने के लिए मिला, लेकिन ये संसार माया, आपको सब पता होगा संसार माया,
देखा है ना, पत्नी दरवाजा तक, परिवार शमशान तक, आगे कोई नहीं जा रहे। वो संत कहते ही कहते सवेरे दो घंटा परिवार को शत्रु मानो, ये सारी एनर्जी हमारी नष्ट कर रही, इसलिए सवेरे बैठ करके दो घंटा डट करके भगवान की भजन करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, नहीं तो भगवान की नाम जप करो, उसको बाद में परिवार को मित्र मानो, परिवार को अपना मित्र मानो। फिर शाम को जब वापस आओ काम से, फिर दो घंटा बैठो और परिवार को अपना शत्रु मान दो, क्योंकि इस हमारे साथ में कोई जाने वाले नहीं, जो पहले थे तो गए, हम भी जाएंगे, साथ में कोई जाने वाले नहीं, साथ में प्रभु का भजन ही जाएगा, इसलिए क्या करो, फिर दो घंटा डट करके बैठो। अब अपना परिवार में देख लो, अपना मैया को और पिताजी को देखो, पहले ही करते थे ना, सवेरे उठ करके, सबसे पहले सवेरे उठ कर माताएं क्या करती थी, घर में गोपाल जी को स्नान कराना, गीता पढ़ना, भजन करना, यही करते थे ना। अपना मैया को देख लो, पिताजी को देख लो, फिर शाम को आकर घर में सब काम करते थे, फिर शाम को आकर फिर बैठते थे ना, फिर भजन करते थे, यही करते थे हमारे परिवार। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, जो चौथी रानी है हमारी, वो अंतिम समय में ये चौथी रानी हमारी यही केवल साथ देने वाली, इसलिए क्या करो, उनको हमें ध्यान देनी चाहिए और वही हमारी काम में जाएगी। इसलिए जो पूरी भागवत कथा में यही सार है, अगर भगवान के नाम धन अगर लूट लिया तो समझो लूट लिए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे मानो आज हमारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक, आज हमें 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे पास में, अभी ये चूल्हा बदल जाए, आप बताओ कितने प्रॉपर्टी साथ में जाएगी, जाएगी एक पैसा जाएगी साथ में, नहीं जाएगी। हमारे गुरु जी कहते थे इसी जीवन में अच्छे कोई कर्म किया इसलिए बहुत पैसा आया, लेकिन अगले जीवन में ऐसे कोई कर्म नहीं, एक तो भिखारी घर में जन्म होना पड़ा था, भिखारी घर में, लेकिन हमें पता ये दुकान मकान बीवी बच्चे ये हमारी है, सारी ये फैक्ट्री पहले मैंने सब कुछ बना कर गया। मानो आपको याद, हमारे गुरु जी कहते थे जाकर के अपना बच्चों को बोलो, अपना पत्नी को बोलो, भैया पहले जन्म में दुकान मकान सब मेरे, मैंने कष्ट करके दिया था, अभी हमें रोटी नहीं मिल रही, एक रोटी दे दो, बताओ आपका बच्चे आपका पत्नी आपको देंगे कि नहीं, बताओ देंगे आपको, पत्नी तो सर फटने के लिए आएगी, बच्चे तो थप्पड़ मार के पागल, दुकान बकाना हमारी कांगाल कहाँ की, देखो कमाया तुमने, तुम्हारा सब कुछ था लेकिन केवल तुम्हारे चूल्हा तो बदली और तो कुछ नहीं हुई, लेकिन केवल चूल्हा बदली गई तो हम एक पैसा भी यहाँ से हम छू नहीं सकते हैं, एक पैसा भी हम छू नहीं सकते यहाँ से। लेकिन मीरा कहती है ऐसे कौन सा धन है, अगर इसी जीवन में अगर कमाएंगे, अगर पत्नी जिस धन को कमाएगी जिसको पति नहीं ले सकते, जिसको पति कमाएगा जिसको पत्नी नहीं ले सकते, जिसको बेटा कमाएगा जिसको पिता नहीं ले सकते, जो कमाएगा इसी जीवन में केवल वही उसकी मालिक बनेगी और अगले जीवन में वो संपत्ति तो तुमको मिलेगी लेकिन ब्याज समेत वो संपत्ति तुम्हें मिलेगी। इसलिए मीरा कहती वो संपत्ति कौन है, बोलो नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाय, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मैंने आपको कुछ दिन पहले एक माला जप कराया था, याद होगा जब एक दिन चैतन्य महाप्रभु को भक्तों लोगों ने निमंत्रण दिया, चल आज घर में हमारी खाना है, महाप्रभु बोले देखो सब तो घर में मैं खाना नहीं खाऊंगा, बोले किसको घर में खाना खाओगे, जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले की बात है, लखपति मतलब 1 लाख सोने की मोहर जिसको घर में हो उसको घर में खाना खाऊंगा। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, हमारे घर में आप तो लाख की बात कर रहे हो, 100 रुपया मतलब 1 स्वर्ण मुद्रा। सब दुखी दुखी हो गए, फिर भगवान समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले जो 1 लाख प्रभु नाम जप करते, 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। देखो मेरे तरफ में देखो, अभी हम एक माला जप करेंगे बैठ करेंगे, ठीक है ना, देखो कैसे लखपति बनोगे। कुछ दिन पहले टीवी में आता था करोड़पति कौन बनेगा, महाप्रभु के थे लखपति कौन बनेगा, देख लो मेरे तरफ में हम लखपति कैसे बनेंगे, ये माला है आपको अभी एक एक माला देकर जप करने के लिए, 5 मिनट की माला जप करेंगे फिर हम राधा रानी की जन्मोत्सव मनाएंगे, ठीक है। अब देखो मेरे तरफ में इसमें 108 मोती है, इसमें 108 मोती इसके अंदर में, जैसे इसको
जब हम जप करते हैं ये बड़े तरफ से इसको जप करते हैं, जैसे हरे कृष्ण आप मेरे साथ में बोलो, प्रभु जी साथ रुक जाओ, प्रभु जी एक मिनट बोले हरे कृष्ण आप मेरे साथ में बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सरकाते हैं, फिर दो बार बोल करके उसमें दो मोती सरकाते हैं, फिर तीन बार बोल करके ये तीन मोती सरकाते हैं, देखो कैसे लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब एक बार नाम क्या 16 बार नाम हो गया, 16 बार नाम हो जाता है, इसमें 108 मोती है। अगर ये पूरा माला को एक माला हमने जप कर लिया, फिर उसको बाद में फिर दो बार फिर तीन बार ऐसे करते करते अगर हमने 16 माला अगर जप कर लिया, हिसाब से होता है 25,000 हो जाता है, हिसाब करते, और अगर 64 माला करते तो हो जाता है 1,00,000। महाप्रभु कहते हैं तुमने 1,00,000 नाम नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट मिलेगा। अगर फिक्स डिपोजिट करोगे तो ब्याज कितना मिलेगी तुम्हें, बोले दिन बढ़त सवाल, आज अगर 1,00,000 नाम किया ना कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, 1,25,000 तुम्हें मिलेगी, बोले 4 दिन में एकदम डबल 2,00,000 हो जाता है 4 दिन। ये धन इतने जल्दी ये तेज में बढ़ती है ये धन है, लेकिन जगत का धन यही प्यार मेरे साथ तो प्यार रह जाएगी, साथ में जाने वाली धन नहीं, इसलिए हम बैठ करके एक माला जप करेंगे, ठीक है ना, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद में फिर हम लोग राधा रानी की जन्म उत्सव मनाएंगे। जो माला दे दो कहाँ गई, देखो सबको, हाँ हमारे जो यहाँ पर गुरु भाई बहन उनको मत देना, इनके पास में माला होगा, जिनके पास में नहीं उनको दो फटाफट दो, ये माला जब करके ना लेना नहीं मेरे को वापस देना, हाँ जो लेना चाहेंगे आपका हम बाद में देंगे। हरे कृष्णा, हाँ जिन लोगों के पास में पहुंचा नहीं तो आप मेरे साथ में जप करो, आपको फल मिल जाएगा, माला नहीं होने पर भी आपको फल मिलेगा, ठीक है ना, हाँ देखो मेरे तरफ में ये अंगुल को छूने का नहीं, ये 20 अंगुल है, ये सबसे पहले ये निकलता, हम कहते ना हम तुमको देख लेंगे, ये सबसे पहले ये निकलता, इसलिए ये अंगुल को हम टच नहीं करते, देखो ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखो, है ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखो, रख करके ये अंगुल को हम ऐसे सीधा करके रखते हैं, क्योंकि कोई काम क्रोध मद कोई आए नहीं है, इसका प्रतीक है, हाँ सबके सब आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में हम श्री बांके बिहारी के चरण में बैठे बैठ करके हम भगवान के नाम जप करते हैं। देखो मेरे तरफ में सुनो, इधर सुना, इसका 2 अर्थ है, एक अर्थ है इसमें 3 नाम है, हरे हरि से ये हरे, हरे मतलब है हरि का नाम लेने पर जीवन का जितने दुख कष्ट है जितने आपत्ति विपत्ति जो हर ले जो खत्म कर दे, इसलिए उनका नाम हरे है। उसमें कृष्ण है, कृष्ण मतलब होता है क्री, मतलब होता है मन बड़ा हमारे चंचल है भटकता इधर उधर, लेकिन क्री नाम लेते ही ये जो भटकता हुआ मन को जो कंट्रोल कर ले, भटकने नहीं। असना मतलब हमें जो आनंद प्रदान करे, मतलब कृष्ण बोलने पर जो चंचल मन एकाग्र हो जाए और जीवन में शांति सुख मिले। और उसमें राम है, राम मतलब सबका हृदय में जो रमण करते हैं और जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में शांति और सुख दे, कहता अगर ये नाम करेगा आपको ये 3 फल मिलेगा आपको, ये इसका साधारण अर्थ है। लेकिन जब नाम जब करोगे किस भाव से, बोले हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण का मन को जो प्रेम से भाव से हरण करती है, इसलिए हरा से ये हो गया हरे, कृष्ण मतलब होता है कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, हे राधा रानी हे कृष्ण हम आपकी संतान है, लेकिन आपको भूलने का वजह से संसार में हम आकर के जन्म जन्मांतर सब दुख कष्ट उठा रहे, हमें कृपा करके अपना चरण की भक्ति और अपना चरण की हमें सेवा प्रदान करो। जब नाम जप करो इसी भाव से करने का, ठीक है, अब सबके सब मेरे साथ में करना, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna,
Hare Krishna,
देखो यहाँ पर कितने भक्त बैठे हैं, करीब 60-70 लोग हैं। आपको कानों में सबका मंत्र गया लेकिन माला तो एक ने की, एक किया, लेकिन कितना माला का फल मिला आपको पता है? 70 माला की फल मिल गई। अगर कोई 64 माला कर ले ना, 1,00,000 है। भगवान कहते 1,00,000 तुमने माला नहीं जप किया, 1,00,000 तुम्हारे नाम पर बैंक में फिक्स डिपोजिट दोगे। आप जो यहाँ पर बैठे हैं ना, आपका 1,00,000 रुपया बैंक में जमा हो गया, आपका 1,00,000 रुपया जमा हो गया। बाकी आपको ब्याज समेत अगली जीवन में पूरा के पूरा मिलेगी। सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा बिना होने लगे तो। राधारानी, हाँ देखो कल है कथा में सबसे बड़ा उत्सव है, बताओ कल क्या है? गिरिराज जी, अन्नकूट महोत्सव है। ये अन्नकूट महोत्सव में इतने पुण्य है, ये कृष्ण स्वयं भक्ति बिहारी बताए गिरिराज रूप में। मतलब एक अन्न का दाना, जो केवल अन्नकूट उत्सव में एक अन्न का दाना भोग लगा दे, किसी जीवन में केवल एक जीवन नहीं, मतलब किसी जीवन में घर में अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं। माँ लक्ष्मी तुम्हारी घर में भरपूर रहेगी, कभी आपको झोली कभी पसारना नहीं पड़ेगा। इतने महत्व ये अन्नकूट महोत्सव को है, इसलिए कल अन्नकूट महोत्सव है। इसलिए आप लोग, ये लोग तो कुछ बनाएंगे, ये घर का सब लोग कहाँ गए, कोई यहाँ पर कोई दिख नहीं रहे। इसलिए हाँ, इसलिए ये घर में तो कुछ ना बनाएंगे ये लोग, लेकिन आप भी कल कुछ ना कुछ लेकर जाना, ठीक है ना? पवित्र, अगर अच्छे तरह से बिना प्याज लहसुन के अगर बढ़िया से कुछ बना सकते हो बना कर खिलाना, नहीं तो कोई मिठाई हो, कोई फल हो, कुछ ना कुछ लेकर जाना, ठीक है? कल से गिरिराज उत्सव होगी। हमारे गुरु जी कहते थे ये गिरिराज कौन है, आप लोग गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए? हाँ देखना, आप गिरिराज गोवर्धन में देखना, वो जो पत्थर गोबर में पत्थर रखा हुआ होता है। बोले क्यों? बोले अब जितना पत्थर गोबर पत्थर रखते हैं ना, आप जितने पत्थर गोबर पत्थर रख लेते हो, गिरिराज गोवर्धन उतना मंजिली मकान बना देते। अब देखना पत्थर गोबर पत्थर रखा हुआ, बोले गिरिराज उतना मंजिली मकान आपको बनाकर दे देते हैं। कितने महत्व है, आप देखे होंगे पेड़ में धागा बंधा हुआ, जिनके बेटा का शादी नहीं होती, बेटी की शादी नहीं होती, घर में कोई दुख कष्ट नौकरी चाकर नहीं, गिरिराज में पास में जाओ, परिक्रमा लगाओ, अभी सही करो, गिरिराज जी इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए इनका एक नाम ही सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब सारी इच्छाओं को गिरिराज पूरी करते हैं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी उनको पीछे 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 घूमते हैं। बोले मेरे से ये क्या मांगेगा, इतना कष्ट करके परिक्रमा करता है, इसको इतने महिमा क्यों? बोले कृष्ण स्वयं गिरिराज परिक्रमा की, केवल एक ही देवता हुए कृष्ण जी को पूजा की। बोले किसको? ये गिरिराज गोवर्धन को। परिक्रमा किसने लगाई? स्वयं राधा रानी को साथ में कृष्ण ब्रजवासी। कल हम सुनेंगे केवल भगवान ही एक देवता जो की पूजा की और जिनकी परिक्रमा लगाई, इसलिए ये गिरिराज की इतने महिमा है। कल हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी गिरिराज की, हम लोग तो बहुत कथा सुनते होंगे आपको, सब हम कल नया नया कथा सुनाऊंगा, ये गिरिराज गोवर्धन की अच्छी अच्छी कथा सुनाऊंगा कल से गिरिराज गोवर्धन की। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। जोर से जयकार लगाओ, बढ़िया बढ़िया प्रसाद होना होगा। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी लग रहा है कथा हो रही है। हमारे बीच में हमारे प्रभु जी आए, ये बहुत अच्छे प्रचार करते हैं और बहुत सारे फील्ड में ये भगवान की कथा सुनाते हैं, बहुत लोगों को उन्होंने भक्ति में लगाया, बहुत सारे लोगों को। प्रभु जी अभी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, फिर राधा रानी कथा सुनकर के प्रसाद लेकर जाना, ठीक है? ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वंशा कल्पतरुभस कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः यम प्रजन्तमनुपीतमपीत कृतं द्वैपायन विरह कातराजु आवा पुत्रेति तन्मतया तर्भो अभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ताभिहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृन्द श्री गौर भक्त वृन्द बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्मम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहितु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और हमारे मंच पर आसीन पूज्यपाल श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने भक्त लोग हैं, दीदी लोग, प्रभु लोग, माताएं, सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हमारा बहुत ही सौभाग्य के दिन है, पिछले 5 दिनों से भगवान की कथा सुन रहे हैं और स्मरण भगवान का कर रहे हैं। और जिस घर परिवार वालों ने भगवान का कीर्तन का आयोजन कराया, किसी भी उपलक्ष्य में हो या तो किसी के भी उपलक्ष्य में, वो उनके जरूर परिवार का मंगल होगा और जितने भी कथा सुन रहे हैं उनका फल भी इनको मिलेगा। उनको तो मिलेगा ही, पर कुछ ना कुछ अंश जो परिवार आयोजन कर रहा है उनको भी इसका अंश मिलेगा। तो आप लोग पिछले 5 दिनों से भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये कल्पतरु है। कल्पतरु का मतलब समझते हैं आप? महाराज जी ने समझाया होगा, जो इच्छा करेंगे वो मिलेगा। ऐसी जगत में अभी मैं आ रहा था नोएडा से, हम दिल्ली में इतनी ट्रैफिक है, कोई इस दिशा में भाग रहे, कोई इस दिशा में भाग रहे, कोई इस दिशा में भाग रहे, पता नहीं कहाँ पर भाग रहे। और सब लोग किस लिए जा रहे हैं? सभी लोग इसीलिए भाग रहे हैं कि कुछ सुखी होने के लिए। परंतु यहाँ कथा में बैठ जाओ, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, जगत की हर वस्तु भागवत कथा से मिलेगी। आपने सुना सबसे पहले भागवत का महात्म्य, सुना जो धुंधकारी था भूत बन गया, प्रेत बन गया, उसका उद्धार नहीं हो रहा। वो कथा में बैठे किसी तरह से प्रेत योनि वो सहारा लेके बास में उसका उद्धार हो, भूत प्रेत योनि का हो गया। फिर दूसरे में सुना जिनके पुत्र नहीं हो रहे थे, चित्रकेतु महाराज आदि आदि, पयोव्रत सुना आदि, जिनको संतान की प्रार्थना कामनाएं वो प्राप्त होगी, जिनको स्वर्ग का राज्य नहीं प्राप्त हो रहा था वो स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात है भगवान का प्रेम जो है, जो सारे भागवत का सार है, वो भी इसी से मिलेगा। कोई भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, भगवान की कथा सुननी है। आप देखो गंगा जी, अभी लोग बहुत गंगा सागर जा रहे हैं, मकर संक्रांति आ रही है ना, 14 जनवरी को आप जाओगे लाखों लोग जाते हैं, फ्लाइट भी भरी होती है, उधर पूरी ट्रेनें बसें भरी होती है, इसलिए जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। अभी तो सर्दी है, अब गंगा स्नान करोगे तो सर्दी कपड़े उतारने पड़ेंगे, सर्दी लगेगी ना। यहाँ पर स्वेटर पहन के भी आप स्नान कर सकते हैं भगवान की कथा में। गंगा स्नान और भगवान की कथा का स्नान का फल बराबर नहीं है। यद्यपि गंगा जी क्या है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, भगवान के चरणों से निकली है गंगा जी, इसलिए पावन करने वाली है।
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मति रस्ता तव पद कमले। शंकर भी उनको अपने सर में रखते गंगा जी को, पर गंगा जी को जाने के बाद बहुत कष्ट करके जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, खर्च पैसा खर्च करना पड़ेगा। गंगा जी यहाँ दिल्ली में नहीं बह, जमुना जी बह रही है, और जमुना जी भी ऐसी बह रही है, यहाँ पर भी पानी दूषित है, रुका हुआ है, पीछे जमुना जी को रोक दिया है, दिल्ली के आदि आदि नाले यहाँ पर बह रहे हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर बैठे बैठे L1 में फर्स्ट फ्लोर में भगवान की कथा हो रही है। कहते जहां भगवान की कथा होती है वहां सारे तीर्थ गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु सारी नदियां आती है, सारे देवता वहां पर आते थे और स्वयं भगवान भी वहां जाते। कहते कृष्ण कहां पर जाते हैं, जहां पर उनकी कथा होती है, तब कथा अमृतम तब जीवनम। जब भगवान की कथा होती है स्वयं भगवान भी आते हैं। देखने में तो साधारण लग रहा है परंतु साधारण नहीं है, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं यहाँ पर हम लोग कथा सुन रहे हैं। और कथा आपने लोगों ने सुनी होगी, कथा क्या है, जगत में आप कुछ भी पा लीजिए, बड़े से बड़े धनवान बन जाइए, बड़े से बड़े पद पा लीजिए, पर कोई भी व्यक्ति बिना भजन के सुखी नहीं हो सकता। भागवत में 360 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, इसमें 100 में आप देख लो स्वर्ग में चाहे इंद्र भी हो वो भी बिना भजन के सुखी नहीं होगा, उनको इंद्र का पद जैसे जाता है उनको भी भय होगा। बहुत बड़े कुंभकर्ण आदि आदि रावण आदि आदि हिरण्यकश्यप हुए, बहुत बड़ा राज्य हुआ था, देवता भी उनके घर में झाड़ू लगाते थे, परंतु वो भी सुखी नहीं हो पाए, उनको भी भय था, मृत्यु का डर था, मृत्यु का डर था, है ना। रावण को भी भय था, हिरण्यकश्यप को भी भय था, इतने शक्तिशाली हम नहीं हो सकते जितना रावण और हिरण्यकश्यप है, उनके घर में इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी थी आप कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लंकनी सामने थी और बहुत बड़े हिरण्यकश्यप का रावण आदि आदि का, फिर भी वो मारे गए। दूसरी तरफ देखो भगवान के भक्त थे, प्रहलाद महाराज हुए, अम्बरीश महाराज हुए, इन्होंने क्या किया, भगवान का भजन किया, कुछ भी नहीं किया, ना किसी का, सिर्फ भगवान का नाम जप किया, जैसे महाराज कहते हैं चौथी रानी को इग्नोर करके रखा है, और काम कौन आएगा, चौथी रानी। रावण कौन थे, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे रावण, और वो मृत्यु का डर है, और उसी राज्य में विभीषण रहते थे, विभीषण रहते थे परम शांत आनंद में और सुख से रहते थे, बस भगवान का नाम करते थे, एक नाम, और किसी चीज का डर नहीं, डर है, और रावण के पास इतनी सेनाएं हैं पर फिर भी डर है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आज हमारे पास भी सब चीज, किसी चीज का भाव नहीं, धन भी है, पुत्र भी है, संतान भी है, सभी कुछ है, पर एक चीज का अभाव, सुख नहीं। आप देखो किसी के भी घर में जाओ कोई ना कोई दुख तो होगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विनत रहतु दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी भगवान के दास। कितने बड़े बड़े घरों में महाराज जी भी जाते, हम भी जाते, जैसे ही महाराज जी प्रवेश करते लोग रोना शुरू कर देते, महाराज जी मेरे ये समस्या है, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, मेरे बेटे का तलाक हो गया, मेरे कमर में दर्द है, मेरे ये है, मेरे वो शुरू हो जाते, बहुत पैसा, किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत पैसा है पर मीठा नहीं खा सकते, शुगर हो गया। तो ये सब चीज का आज क्या है, सुख और शांति का अभाव है, और क्या चीज नहीं है, अगर एक चीज की प्राप्त कर लो आप, भगवान से प्रेम हो जाए और भगवान से सेवा प्राप्त कर लो, किसी चीज का आपको भय नहीं होगा। इसलिए जगत में मूल कारण पता है क्या है, जगत में मूल कारण दो प्रकार की समस्या होती है, एक टेम्परेरी समस्या होती है, एक परमानेंट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो परमानेंट समस्या उसको तुम देखते नहीं, टेम्परेरी के लिए कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन हो जाए, और टेम्परेरी का सोल्यूशन करते करते फिर दूसरी आ जाती है, पर हमें क्या करना चाहिए, परमानेंट समस्या का सोल्यूशन करना चाहिए। जैसे मानो हमारी टीवी होगी, टीवी, अब टीवी के कारण बुखार आ रहा है बार बार, तो हम डॉक्टर के जाते हैं, निमोलिन गोली लेके आते, पैरासीटामोल लेके आते कि हमें क्या करो, बुखार हो रहा है डॉक्टर साहब, बुखार, वो एक बार दवाई दिया फिर दोबारा से बुखार हो गया, फिर उसने दोबारा दवाई दिया फिर बुखार हो गया, डॉक्टर बोले तुम्हारी बीमारी क्या, बुखार तो ठीक हो जाना चाहिए पर क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि है नहीं, बुखार की समस्या ही नहीं है, समस्या क्या है, टीवी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो इनकी टीवी आया, उन्होंने कहा तुम्हारे बुखार की दवाई तो अलग चलेगी, टीवी की दवाई चलेगी,
और टीबी की दवाई देना शुरू किया, 9 महीने तक दवाई खाया और फिर उसको बुखार ठीक हो गया। तो ऐसी हमारी समस्या है, हमें जो हमारी समस्या है ना, ये शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ये धन का अभाव है, मन उदास है, ये टेम्परेरी है, चलती रहेगी। जो परमानेंट समस्या है, हमारे जगत में जन्म हुआ, संसार में आ गए, जेल, जेल समस्या है ना कि समस्या है, छोटी टेम्परेरी समस्या है। सर्दी आई, आज सर्दी को लेकर आज 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 8 डिग्री हो गया। आप सर्दी की तपस्या करने शुरू हो जाओ, 2 महीने तपस्या करो, भगवान सर्दी जाए, 2 महीने नेचुरली चली जाएगी, 14 तारीख के बाद, 1 हफ्ते बाद कुछ लाभ हुआ। 2 महीने तपस्या की, भगवान सर्दी चली जाए, वो तो नेचुरल है, सर्दी जाएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, ये समस्या नहीं है। इसलिए समस्या क्या है, हम जेल में आ गए। जैसे कि हम सुनाते महाराज जी भी, अभी तो समय नहीं है, 2 मिनट में एक उदाहरण देकर सुनाता हूँ। देखो हमारी समस्या क्या है, हम समाधान क्या कर रहे हैं। एक बार एक पति एक पत्नी बड़ा प्रेम करते थे, बड़ी सेवा करते थे आपस में, उसकी 4 संतान थी। तो 4 संतान थी, एक बार उसके पति से पड़ोसी का झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई, वो जेल में चले गई। जब जेल में चले गए, वो रो रहे थे पत्नी से कि मैं चिंता मत करना, मैं आऊं। कमाने वाले कौन है, एकमात्र पति, घर में अगर कमाएंगे नहीं तो घर नहीं चलेगा, एक कौन है, पति। बच्चे रो रहे, पापा आप कहाँ जा रहे, पापा आप कहाँ जा रहे। अभी ये भी बड़े दुखी, चिंता मत करो मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा, चिंता नहीं करो। अभी वो जेल में चले गए। अब जब जेल में चले गए तो हुआ क्या, पहले दिन तो बड़ी याद सता रही थी बच्चों की, पत्नी की, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, कैसे जिएंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हुए, उसको एक ड्रेस मिली, कैदी नंबर 135, कैदी नंबर, जेल में ड्रेस मिलती है। तो हुआ क्या, अब तो माता अपने पत्नी की याद कर रहा था बच्चा, 1 महीना हो गया, अब कैदी नंबर 137 से दोस्ती होगी, फिर कैदी नंबर 137, कैदी नंबर 138, कैदी नंबर 139, कैदी नंबर 140, 5 दोस्त बन गए उसके। अब धीरे धीरे करके ऐसे हो गए, उसको मन लग गया कैदियों के साथ, अब भूल गया, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी पत्नी रो रहे हैं। अभी हुआ क्या, 1 साल 2 साल हो गया, 2 साल की सजा थी उसको, जेलर ने कहा भैया जाओ, अब तुम्हारी सजा खत्म होगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। वो कह रहे मेरे को निकाल रहे हो, कह रहे नहीं भैया बाहर क्यों ले जा रहे, कह रहे बाहर कैदी नंबर 137 बाहर होगा, कह रहे नहीं, कैदी नंबर 138 होगा, बोले नहीं, कैदी नंबर 147 बाहर करो, कह रहे नहीं, इनकी सजा पूरी नहीं, कह रहे फिर मैं क्यों जाऊँ, मेरा तो यही मन लग गया। उन्होंने कहा भाई तेरी सजा पूरी होगी, तेरे बच्चे और पत्नी याद कर रहे। जब वो जेल से बाहर निकाला उसको, वो देख के रोने लगा, उसकी पत्नी इंतजार कर रही है, बच्चे भूखे हैं, रोने लगा, फिर कहा मैं तो भूल ही गया तुम। वो स्थिति हमारी है। आज अगर हमसे कोई बोले, जैसे महाराज जी बोले कौन कौन भगवान के पास जाएगा, तो कोई कहेंगे अरे महाराज भगवान के पास आने का मतलब मरना नहीं है, कभी सोच रहे भगवान मारना चाह रहे। जैसे मैं एक बार बताता हूँ उदाहरण, मैं रिक्शे से जा रहा था, तो रिक्शे से जा रहा था, एक रिक्शे वाले बोले पंडित जी मेरा हाथ देख लीजिए। मैंने कहा भाई मैं तो हाथ देखता नहीं, हम भगवान का नाम करते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े ज्योतिष भी हैं और वो लोग भी कहते हैं भगवान का भजन करो इसी में सुखी मिलेगी। नहीं, कह रहे पंडित जी हाथ देख दीजिए हाथ। तो कह रहे, मैंने कहा मैं हाथ देखता नहीं। तो बोले अच्छा ऐसा धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, तिलक लगा रखा है, किस लिए? तो मैंने कहा हम भगवान के पास जाना चाहते इसलिए। मैंने ही बोला रिक्शे वाले को, अच्छा आप मरना चाह रहे हो? कौन बोला? रिक्शा वाला। मैंने कहा मरना चाह रहे, देखो ये छोटी सी चीज है, समझ गए ना। मैंने कहा मरोगे तो आप भी, आप तो भजन नहीं कर रहे। एक आतंकवादी भी मरेगा, एक चोर भी मरेगा, एक डाकू भी मरेगा, एक जिसने प्याज लहसुन नहीं खाया कभी वो भी मरेगा, और एक जिसने रोज मांसाहार कर रहे वो भी, और एक जो क्राइम कर रहे आईएस के आतंकवादी वो भी मरेंगे, सब भगवान के पास जाते नहीं। कोई भी भगवान के पास नहीं जाएगा, इतना आसान नहीं है। भगवान के पास जो लोग पाप करते हैं, 28 प्रकार के नरकों में जाओगे, भागवत में आया है, एक प्रकार के नहीं, अलग अलग। यहाँ 1 मर्डर की सजा फांसी, 2 मर्डर की सजा फांसी, 3 मर्डर की सजा फांसी, नहीं वहां ऐसा नहीं है। 1 मर्डर की सजा अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, भोगनी पड़ेगी। और अलग अलग सजा है, क्राइम की, बलात्कार की, मांस की, 28 प्रकार के नरक है। उसके बाद 84 लाख योनि बनाई है, गधा सुअर पशु बहुत प्रकार की योनियां। उसके बाद फिर देव योनि है बहुत सारी, वो भगवान के धाम बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग इस जगत में क्यों आए हैं, ये जगत क्या है, एक जेल है, और यहाँ पर दोस्ती होगी, कैदी नंबर 135, कैदी नंबर 136, ये कौन है आप बुरा मत मानना, महाराज जी कह रहे ना, कौन है बताओ,
कैदी नंबर 135 136 कौन है? हाँ परिवार। हम हमारे बेटे कैदी नंबर 135, हमारे बेटी कैदी नंबर 137। सच की बात है, बुरा नहीं लाना, आपको पता लगेगा धीरे धीरे इनसे दोस्ती होगी। हम भगवान को भूल के आए यहाँ पर, और इनको अगर हम भगवान के पास जाए कह अरे दिक्कत तो बहुत अच्छी याद आ रही है, परंतु अभी समय हो गया। राधा रानी का जन्म है, बहुत ही सुंदर कथा है इसी संबंध से। एक बार क्या है, हाँ शॉर्ट में कहते हैं, लास्ट एक बार क्या है, एक शराबी व्यक्ति था, उसने कहा भैया तुम शराब मत पियो। बोले शराब तो नथु ने पीता है नथु राम जी। तो उन्होंने कहा शराब पीने से नरक में जाए, कह रहे तो वो रामदास भी पीता शराब, तो कह रहा वो भी नरक में जाएगा, कह रहा शराब तो वो बिपिन बिहारी भी पीता है, कहता वो भी नरक में जाएगा, कहते और शराब हमारे सामने जो वैश्य रहती वो भी पीती है, कहता वो भी नरक में जाएगी। तो लोग बस आनंद आ गया, हम सब लोग नरक में जाएंगे, तो उससे चार फिर दोबारा से दोस्ती आएगी, चिंता ही। तो हमारी स्थिति क्या है, ये हम कहते अरे जो हम लोग पाप कर रहे हैं हमारे साथी पाप कर रहे हैं वो नरक में जाएंगे भाई आनंद करेंगे, नहीं आनंद नहीं है, इतना कष्ट इतना दुख होगा आप सोच नहीं सकते। पर एक ये तो नरक नरक की बात है, और सुख की बात है भगवान का प्रेम। भगवान के प्रेम में क्या आनंद है, जैसे महाराज जी था ना, एक चावल का दाना भी उनके लिए लगाओ भोग। देखो भगवान पर खिले फूल चढ़ाने चाहिए, खिले है ना, कहते हैं जो भगवान को क्या खिले फूल चढ़ाने चाहिए, कोई मुरझाए फूल चढ़ाता है, पर भगवान एक ऐसे दयालु है जो मुरझे फूल भी स्वीकार कर देते हैं। मुरझे फूल क्या है, आपने जीवन किसी को लगा दिया, पूरा जीवन आपने किसी को दे दिया, और बड़े होके क्या करते हैं, बच्चे लोग भूल जाते हैं, कहते हैं आजकल क्या है, आजकल हम सोच रहे एडवांस हो रहे थे, मदर डे फादर डे वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हैं ना, आजकल एडवांस नहीं हो रही, पहले मदर डे रोज बनता था, रोज बच्चे के माता पिता को सेवा कर देते, अभी क्या है एक दिन मदर डे बना रहे, एक दिन कहते बहुत अच्छा ग्रीटिंग मनाया जा रहा है, 250 का ग्रीटिंग, कभी माँ के और पिताजी के पास गए नहीं, और लिख रहे हैं आई मिस यू मदर, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपको, माता रो रही है आंखों में आंसू, कभी देखने नहीं आया, मिस कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो सब स्वार्थ के, जिसने पाला 9 महीने घर में रखा, पूरा जीवन जिनको दिया, अब सभी लोग भूल जाते हैं माता पिता को, भगवान ऐसे दयालु है, इनकी सेवा क्या करो आप, एक छोटी सी सेवा करो, जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी ने क्या किया, भगवान को एक पट्टी बांध दी थी, सिर्फ उंगली में पट्टी बांध दी थी, और भगवान ने क्या, द्रौपदी मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊं, कैसे तेरा ऋण चुकाऊं, और जब द्रौपदी को संकट आया भगवान पूरी की पूरी साड़ी बन के आए, और भगवान रो रहे द्रौपदी मैं तेरा कब कैसे सेवा कर पाऊं। और संसार में किसी की भी सेवा करो आप, 9 महीने बच्चों को घर में रखो, फिर इतना ही नहीं नर्सरी पढ़ाओ, केजी पढ़ाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और इतना ही नहीं एक एक साल में एक एक दिन की मेहनत लगती है, बहुत प्रयास लगता है, फिर बच्चे को बड़ा करो, ग्रेजुएशन कराओ, और जिस दिन शादी हो गई बस उस दिन माता पिता को भूल जाते हैं। तो ये संसार का नियम है, संसार स्वार्थ में है यही भागवत बताती है, और भगवान बड़े दयालु हैं, हमारा चौथी रानी की तरफ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हम उनकी तरफ देख नहीं रहे, कहते हैं ना हमारे आज व्हाट्सएप पे इतने संबंध है और फेसबुक पे इतने, तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कितने भी आप संबंध बना लो, एक से संबंध मत बनाओ, जो बहुत निकट में रहते हैं हमारे, हम चौथी रानी के संबंध मत बनाओ, और तीन रानी से बना लो, पर चौथी रानी से यदि संबंध बनाए ना जीवन में सुखी हो पाएंगे, काम कौन आएगा, एक संबंध बना लिया भगवान से, और किसी का संबंध नहीं, चिंता नहीं करो, पर आपके 1000 संबंध है ना, तो कब तक है वो, जब तक जेब में पैसे हैं, लोग कहते हैं आप कैसे हैं, पैसे गौन आप कौन, तो जगत के लोग ऐसे ही हैं कि जगत सब स्वार्थ के निश्चय आते हैं, इसलिए कोई मुरझाए फूल को अपनाएगा, सरकार भी रिटायर कर देती है, 60 साल के होके काम नहीं करेंगे, बेकार सैलरी देंगे, कम से कम पेंशन दे देंगे, आगे जाओ घर जाओ, पेंशन खत्म। भगवान ऐसे हैं जो कि आप बुढ़ापे में भी नाम ले लो बस रीत जाएंगे आपको, और कितनों को तारण ये आती महाराज, बहुत अच्छी अच्छी कथा है भागवत में, कैसे कैसे भगवान ने अपनाया, इसलिए यहीं मैं कथा को समाप्त करूं, क्षमा करना आपका ज्यादा समय लिया, और महाराज जी अभी राधा जी की कथा सुनाएंगे। काली की जय, लाल की जय, जय श्री राधे। थोड़ी सी राधा रानी कथा सुन लो, अभी राधा रानी आई है, देखो ये एकदम अब नई नई बात सुनोगे, कोई राधा रानी की भागवत कथा में कहीं उत्सव नहीं मनाते,
हैं वृंदावन गए हो? कौन कौन गए हो? सभी। अब देखना वृंदावन में वो कृष्ण का तो पांके बिहार की राज्य, लेकिन कोई भी कृष्ण कृष्ण हुआ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। इसलिए लोगों का प्रश्न है, भाई आप खूब राधे 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 कहते हो, ये भागवत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सारे वेद पुराण उपनिषद का सारे, पर इसमें राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं? अब भागवत पढ़ो कहीं राधा जी का नाम आपको नहीं मिलेगा, अरे भागवत में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं? लेकिन हमारे गौड़िया संत कहते भैया भागवत में तो राधा जी को बगैर कुछ है ही नहीं, भागवत तो केवल राधा ही राधा ही है। अब बताओ तो जो ग्रंथ सुन रहे हैं वो ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। क्या बोला? भागवत नहीं, ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् का मतलब क्या? श्री मतलब राधे, श्री मतलब सौंदर्य जसोभा, लक्ष्मी मूल लक्ष्मी कौन है? श्री राधा रानी। दो मिनट खड़े हो जाए। इसलिए कहते ये श्रीमद् मतलब राधा जी की ये प्रेम है भागवत और कुछ नहीं। हम जो कथा सुन रहे हैं ना, कथा नहीं, ये राधा रानी प्रेम को लुटा रहे हैं। एक उदाहरण देकर समझाए, कोई एक सेठ था, खूब पैसा कमाता है, लेकिन किसको देता? बोले सेठानी को। वो सेठानी लाख लाख रुपया गड्डी की गड्डी अलमीरा में सजा सजा रखती है, हीरे जवाहरात को। एक दिन वो सेठानी हो गई बाबरी और सारे पैसा को लेकर गई छत ऊपर में और उसने लुटाना शुरू की, और जितने गरीबी दुखी थे ना और उठाया और सबके सब धनी हो गए। बोले सेठ कौन है? बोले कृष्ण। बोले सेठानी कौन है? राधा रानी। सेठ तो पैसा कमाता है लेकिन देते है किसको? बोले सेठानी को, क्योंकि राधा रानी के बगैर ये कृष्ण प्रेम को कोई नहीं दे सकते, केवल राधा जी ही दे सकते ये कृष्ण प्रेम को। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी और छत के ऊपर में गई और उसने धन दौलत को लुटाने लगे। वो धन दौलत क्या? बोले कृष्ण प्रेम। और आप और हम जैसे गरीब व्यक्ति और कृष्ण प्रेम में जो कंगाल है, उठाया वो धन को, हम सबके सब बड़े बड़े धनी हो गए हैं। इसलिए कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम मतलब जब राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके जब कृष्ण प्रेम को लुटाती है, ये भागवत ये कृष्ण प्रेम। हम कथा नहीं सुन रहे हैं, कृष्ण प्रेम को हम लुट रहे हैं, है? प्रश्न है फिर भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं? इसका दो चार कारण बताए। पहला कारण बताए, सात दिन में कथा उनको बोलने का थे सुखदेव गोस्वामी को, हम उसको बाद में परिकेत के तक्षक दर्शन करेगा, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी एक बार राधा जी का नाम लेते थे, बोले सर्वमार्षिक मूर्छा भगत, वो छह महीना तो बेहोश हो जाते थे। बोले भैया अगर छह महीना बेहोश हो गया फिर तो ये भागवत कथा नहीं सुनाए, इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? उदाहरण दिया, आप लोग मेहंदी लगाते हो हाथों में? कौन कौन लगाते हो? सबके सब लगाते हो। मेहंदी पत्ते देखे हो? देखे हो? बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग कैसे? लेकिन वो क्या हरा है? फिर क्या है? लाल है, वो लाल है, लेकिन ऊपर क्या दिखती है? वो हरा हरी। फिर क्या करो? उसको पीसो, फिर तब भी देखो वो हरा हरा दिखेगी, लेकिन जब हाथ में लगा दे तो जब सूख जाए कौन सा रंग हो जाता है? लाल। फिर उसी तरह ये भागवत दिखता है हरा हरा, मतलब कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन जब उनको अंदर में देखो ना, बल आत्मा तो राधिका एव, बोले वाक्य बिहारी के आत्मा कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए ऊपर देखते हैं केवल कृष्ण कृष्ण, लेकिन अंदर में देखो तो राधे ही राधे। तीसरा कारण बताए, कहते जो कृष्ण भक्ति है जैसे एक बहता हुआ नदी, जैसे एक बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, जानवर इंसान चिड़िया सब पी सकते हैं, लेकिन कुएं का पानी सब नहीं पी सकते। लेकिन नदी में कोई नहा रहे हैं, गैया को धो रहे हैं, कोई कपड़ा साफ कर रहे, सारे पानी बह रहे हैं, लेकिन कुएं का पानी ना एकदम निर्मल ठंडा होता है। हैं? कहते राधा जी की जो भक्ति वो कुएं का पानी सब नहीं पी सकते। बोले कौन पी सकते? जिसको पास में रस्सी और कोई पात्र होगा ना, केवल वही राधा कुएं का पानी पी सकते। तात्पर्य है अगर हम राधा जी की भक्ति पाना चाहते हैं, हमें कोई रस्सी की परंपरा से हमें जोड़ना पड़ेगा। जब तक कोई रस्सी की परंपरा से नहीं जुड़ेंगे तब तक भैया राधा रानी का भक्ति मिलेगी नहीं। अभी राधा रानी की भक्ति कौन देगी? जो भगवान के निराकार निर्विशेष ज्योति आकार नहीं उल्टा, वो कहां से राधा रानी की भक्ति देगी? इसलिए राधा रानी की भक्ति पाने के लिए, इसलिए हमारे एक महाप्रभु के एक संत हुए, कहते भैया तीन चीज होनी चाहिए त
तभी जाकर के कहीं कृष्ण भक्ति मिलेगी, कृष्ण भक्ति भी नहीं मिलेगी। बोले वो तीन चीज क्या है, बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटव्यम असंभास तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधूर श्याम। तीन चीज क्या, बोले राधा रानी के चरण की धूल का आश्रय ग्रहण करो, दूसरे चीज है राधा रानी की द्वारा चरण अंकित वृंदावन धाम को, और सबसे बड़ी चीज है राधा जी की भक्ति में जो संत सराबर हुए हैं उनके चरणों का आश्रय किए बगैर भैया कन्हैया नहीं मिलेगी। जितने कृष्ण कृष्ण बोलो, जैसे कृष्ण तीन जगह से टेढ़े उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी देगी, इसलिए राधा जी के बगैर ये कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। अब चौथा कारण बताए सुखदेव गोस्वामी प्रश्न की, हे राधे तुम्हारे नाम को भागवत में कैसे ले, राधा रानी मना कर दी। बोले लेना तो इनडायरेक्ट रूप में लो, डायरेक्ट रूप में मत लिया पर मेरे नाम को, इसलिए भागवत में कहीं गोपी कहीं हाँ लक्ष्मी कहीं इंदिरा ऐसे ऐसे शब्द में राधा जी का नाम लिया। हम कल सुनेंगे कथा को कैसे भागवत में कहाँ कैसे कैसे राधा जी का नाम लिए। अभी राधा रानी की जन्म कथा सुनते हैं। कहते श्री वृषभ महाराज हैं, कहते आप लोग हिमालय का नाम सुने हो, सुने। इनकी बेटी कौन है, पार्वती। पार्वती का पति कौन है, शंकर जी। अगर जिसका दामाद जोगी जोगी सत्यम शिवम सुंदर हो, इसलिए हिमालय पर्वत का बड़ा अभिमान, सब जगह जितने पर्वत था ना सब जगह में अपना महिमा गया करता था बिना कारण से। इसी जगत में देखना जैसे मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर, भले ही घुमा फिरा कर कहीं उनका संबंध होगा ना, बोले के जानते हो मोदी क्या लगता है, अमुक के हमारी अमुक जाकर अमुक लगता है, उन्होंने ब्रह्मा जी को आराधना की। ब्रह्मा जी जब संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो, बोले मेरे को दामाद चाहिए, लेकिन ऐसे दामाद हो जो शंकर जी से हर गुण में श्रेष्ठ हो, शंकर भी जिनको उपासना करते हुए हो, हम ऐसे के दामाद चाहिए। ब्रह्मा तथास्तु बोलती, अभी दामादी कब होगा, दामाद घर में जो बेटी हो तभी तो दामाद होगी, और बेटी जैसे तैसे होने पर नहीं चलेगा, शंकर जी से हर तरह से श्रेष्ठ से वाक्य भी आए। अगर उनकी शक्ति कौन है, राधा रानी, राधा रानी अगर बेटी हो फिर तो काम बनेगा, ब्रह्मा तथास्तु बोल दिए। लेकिन राधा रानी किसकी बेटी, श्री वृषभान महाराज की, माता का नाम श्री कृतिका कुंडली। अभी कृतिका जी गर्भवती थी, उन्होंने जोग माया को आदेश देकर के उनको गर्भ से लेकर के विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापन कर दी। उपयुक्त समय होने पर विंध्याचल की पत्नी श्री राधा रानी को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन इधर क्या हुआ, जिस समय कंस ने हैं जिस समय वसुदेव महाराज गोकुल से बेटी को लेकर के आए मथुरा, कंस को जो पता चला हमारा काल जन्म लिया लगा बेटी, और उन्होंने जब उसको लेकर पछाड़ने के लिए गया, इतने में वो जो पहले तो थी जोग माया, कंस स्पर्श करते होंगे महामाया, उसने मारा ठोकर कंस को, वहीं पर कंस बेहोश होकर गिर पड़ा। इतने में वो आकाश में अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए कहते, रे मुड़ कंस तो मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लूंगा। देख कंस वो अकेले नहीं, उनको शक्ति को साथ में जन्म हुए, उनको जो शक्ति है ना हमसे भी सुंदर ज्यादा, मेरी मूल वो है लादिनी शक्ति पराशक्ति स्वरूप शक्ति भगवान कृष्ण की, कहीं जन्म ले लिया, अगर उसको साथ में किसकी शादी होगी ना वो जगत में अजर और अमरत्व को प्राप्त करेगा, हाँ अखंड सौभाग्यवती बनी रहेगी। इसलिए कंस ने जब पुतना को भेजा, बोले देख जब कहीं बेटी मिलेगी ना उसको मारना नहीं, कहीं बेटा मिलेगा तो मार देना। क्यों, उनकी देवी ने कहा जो बेटी जन्म हुई वो सख्याद लक्ष्मी स्वरूप, उसको ले आना मैं शादी करूंगा उससे। इतने में पुतना जा करके राधा रानी को विंध्याचल की बेटी उठा कर ले गए। विंध्याचल को जो पता चला उसने उचाटन मंत्र प्रयोग की, करते ही पुतना चटपट चटपट करते 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 जहां पर वर्षा नाम एक स्थान है वहां पर ब्रज में, उसका नाम रावल है, श्री वृषभानंद महाराज रोज जाते थे स्नान करने के लिए यमुना में। इतने में पुतना आकर के वहीं पर बेटी को छोड़ दी, और इतने में श्री राधा रानी अष्टदल कमल फूल गोबर में बहते 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 आ रही है, बड़ा सुंदर तिब्बत ज्योति। वृषभानंद महाराज जब स्नान करने के लिए गए, देखा बड़ी सुंदर है कि बेटी है,
हैं, उन्होंने उन बेटी को उन्होंने उठा लिए, मतलब श्रीमती राधा रानी की, और उन्होंने कृतिका सुंदरी को दिए। नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आए, वो अकेले नहीं कभी नहीं आएंगे, वो तो अपना शक्ति को साथ में आए हुए। नारद गली गलियों में जाकर ढूंढ रहे राधा रानी कहां, कहीं ललिता विशाखा। जब वृषभानंद महाराज घर में आए, बोले घर में कोई संतान है, उन्होंने बेटे को श्रीधाम को दिखाया, बोले कहीं बेटी हुई, बोले हाँ एक बेटी भी हुई, बोले लेकर आओ, जब लाए पहचानी भैया इनको तो मैं ढूंढ रहा था। यही तो भगवान की सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी। अभी राधा जी को थोड़ी स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन पिता माता कहते तो मेरे छोटी लाडली लाले लाली, उनको पता नहीं वही सर्वेश्वरी राधा रानी। उन्होंने बहाना बनाए, बोले थोड़ा फूल लेकर के आओ, मैं उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब वो अंदर से गए ना, इतने में राधा रानी किशोरी बनकर प्रकट हो गई, सॉरी ललिता विशाखा सखियां प्रकट हो गई। ललिता कहती बाबा क्या देखते हो, स्तुति कर, नहीं तो राधा रानी अभी अंतर ध्यान हो जाएगी। तब उनने स्तुति की, जिसका नाम राधा कृपा कटाक्ष। देखो आप लोग जरूरी है स्तुति को, आप लोग जैसे दुर्गा स्तुति पढ़ते होंगे, लेकिन ये राधा रानी की स्तुति को अगर कोई पढ़ेगा, राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार कोई पढ़े, राधा रानी साक्षात प्रकट होकर दर्शन देती, इतनी ये स्तुति की महिमा है। राधा जी की जरूर कृपा उसको पर होगी, आप लोग जरूर पढ़ना। इसको पढ़ते ही जितने सारे शक्तियां हैं, उमा रमा सत्या सची सबको स्तुति हो जाती है। हम इसका दो श्लोक पढ़ते हैं, राधा रानी को ले आओ, लेकर के आ जाओ। बोले मुनिन्द्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भव मंगज निकुंज भोगिलासिनी प्रजेन्द्र भानु नंदिनी प्रजेन्द्र सोनु संगते कथा करि सदीव कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरि वितान वन नपस्थिते प्रभाल बाल पल्लव प्रवाल Yeah.